करते हुए सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपकी यात्रा जो है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पेजॉल से। तो आइए फ्रेंड्स, पेजॉल की ओर रुक करते हैं। मैं मोबाइल स्क्रीन पर ले चल रहा हूं, मोबाइल स्क्रीन पर इसलिए क्योंकि आप कंफर्टेबल हो। ये पीपीटी नहीं है, मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूं। क्या? वाउचर बनाना। यस, वाउचर रिडीम करना। घर में मैं अपने सब्जियां पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं कहा हूं बैंगलोर में, और मेरे घर पे टमाटर, आलू, प्याज ये सब जाने वाले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला हूँ और उसपे इनकम मिलने वाली है। साथ ही साथ आज लाइव विड्रॉल करने वाला हूँ कि कितने सेकंड्स के अंदर पैसा आता है अपने बैंक अकाउंट में। सारी चीज आप इस मीटिंग में देखने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने पेजॉल ओपन किया। पेजॉल में क्या क्या सर्विसेज लाइव है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, प्रीपेड, डीटीएच, पोस्ट पेड, ये जितनी भी सर्विसेज देख रहे हैं, ये सारी सर्विसेज लाइव है। सारी सर्विसेज का आप फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि हमें यहाँ सर्विसेज लेने से और लोगों को सर्विसेज दिलाने से ही बेनिफिट्स मिलना है। अच्छा, किसी को कोई चॉइस बदलना है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रीपेड पे गया। अब प्रीपेड पे आपके पास हो सकता है एयरटेल का मोबाइल हो, बीएसएनएल का हो, आपके पास जियो का हो, वोडाफोन का हो। चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जल्दी से किसी का नंबर भेज दीजिए, रिचार्ज करते हैं लाइव। अपन लाइव आपको रिचार्ज के बारे में बताऊंगा। जिसको रिचार्ज कराना है, जल्दी से अपना चैट बॉक्स में नंबर डालें और नीचे लिख दे कौन सा नेटवर्क है उनका। अब हम लाइव रिचार्ज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइव रिचार्ज करेंगे, लाइव हम चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिए। देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली चलता हूँ जियो पे। अभी आपके सामने लाइव दिखाना है, तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा इसी मोबाइल पे, तो हम इसी मोबाइल को एक रिचार्ज करके देखते हैं। ये हमने एक रिचार्ज के लिए कुछ एक मोबाइल नंबर का आपके सामने देखिए मैंने एंटर किया। अभी एक मोबाइल नंबर आपके सामने एंटर किया है, इसको रिचार्ज करना है। रिचार्ज होता है कि नहीं, तो हम ये देखते हैं रिचार्ज होता है कि नहीं। विद इन सेकेंड यहाँ पर मैंने ओके किया, और विद इन अ सेकेंड आप देखेंगे ये रिचार्ज हो जाएगा। कैसे होगा वो आपके सामने इसी मोबाइल पे किया तो आपको दिख जाएगा कुछ सेकंड्स में आपका। यहाँ पर मैं मैसेज भी दिखाने वाला हूँ, सब कुछ लाइव है यहाँ पर। फ्रेंड्स, एक चीज दिखाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, उसको भी मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम कितना दिख रहा है, आप देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बिजनेस वॉल्यूम जीरो है। आप बोलेंगे 10 रुपए का तो रिचार्ज किया है, बिजनेस वॉल्यूम तो जीरो दिखा रहा है, आप तो बोल रहे हो कि लाइव होती है यहाँ पर, लाइव तो हुआ नहीं। नहीं फ्रेंड्स, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश करने के लिए नीचे आपके सामने देखिए ये स्टेटमेंट वाला आपको दिख रहा होगा, क्या रहो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8:18 पे 10 रुपए का रिचार्ज हुआ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 25% हमको रिचार्ज पे बीबी मिलता है कि नहीं? आप बोलेंगे यस मिलता है। तो मुझे बताइए 10 रुपए पे कितना बीबी मिलना चाहिए? आप बोलेंगे बहुत सरल सी बात है, 10 रुपए तो 2.5 रुपए मिलना चाहिए, 2.5। अच्छा, अब हम देखते हैं 2.5 आया कि नहीं। आइए फ्रेंड्स, मैंने रिफ्रेश किया, बैक बटन का यूज किया, और बैक बटन यूज करने के बाद अब आप देखिए बिजनेस वॉल्यूम लाइव है कि नहीं, मतलब सिस्टम लाइव है नहीं, ये आप सबको बता सकते हो। आपके सामने ही सारे ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। पहला ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया लाइव रिचार्ज का, ये रिचार्ज आपके सामने हो रहा है, रिचार्ज हुआ लाइव, बिजनेस वॉल्यूम भी बना। अच्छा, बिजनेस वॉल्यूम का कहाँ यूज होता है? इसका इनकम में होता है। कौन सी इनकम? पेसिव इनकम। मैं पेसिव इनकम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा फ्रेंड्स, बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी मीटिंग के अंदर मैं आपको बिजनेस प्लान भी शेयर करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर वाउचर सेक्शन पे। भाई, मेरे घर में तो सब्जियां लगती है, मेरे घर में तो फेयर एंड लवली चाहिए, लक्स चाहिए, मेरे घर में तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े चाहिए, अलग अलग ब्रांड के कपड़े चाहिए। मुझे बताइए, फ्लिपकार्ट का नाम अब शायद किसी से अछूता नहीं है, सब लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, कि फ्लिपकार्ट में लाखों प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, और लाखों प्रोडक्ट की कैटेगरीज आप यहाँ से कर सकते हैं बाय। क्या होगा उससे, फायदा क्या होगा भाई, ये बताओ मुद्दे की बात, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप करेंगे फ्लिपकार्ट से दिल खोल के शॉपिंग, और दिल खोल के यहाँ पर पेजॉल आपको देने वाला है बिजनेस वॉल्यूम 24%। इसको भी हम ले चलते हैं यहाँ पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर मैं 100 रुपीज का वाउचर क्रिएट करूंगा, और 100 रुपीज का वाउचर आपके सामने लाइव बनाऊंगा मैं। सब लाइव मीटिंग है फ्रेंड्स ये, क्योंकि बहुत से लोगों को लैक ऑफ नॉलेज के कारण चीजें नहीं क्लियर होती है। आज मैं वही सब चीजें क्लियर करने आया हूँ। ये आपके सामने देखिए लाइव बना, लाइव बना रहा हूं। इसके बाद करना क्या है आपको, ये वाउचर पे ये जो लिंक आया ना, इस पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें कोड जनरेट होगा, ठीक है ना। अब आपके सामने देखिए उस कोड को जनरेट करने के लिए मैंने अभी एक नंबर पे इसको मैं व्हाट्सएप करता हूँ, फिर हम उसको लाइव करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने ये लाइव दिखा रहा हूँ, ये मैंने किया, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब ये मुझे क्या बोलेगा कि आप अपना कोड को कलेक्ट करना चाहते हैं, ये देखिए कलेक्ट वाउचर करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा यस,
मुझे तो फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करना है, तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट वाउचर किया, ये देखिए कोड आ गया। अब आखिर ये कोड कहाँ मैं यूज करूंगा, मुद्दा ये भी है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पे। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में आपके सामने खोल रहा हूँ, आप और हमें अच्छे से पता है कि सारे लाखों प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं। अब लाखों प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, शॉपिंग करना है, आखिर ये वाउचर के माध्यम से पेमेंट कैसे करेंगे, आइए फ्रेंड्स उसको भी मैं लाइव बताता हूँ। यहाँ पर आप अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए, अकाउंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने का ऑप्शन आएगा सेव कार्ड एंड वॉलेट, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे वाउचर जो बनाए हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं। इसको भी अपन लाइव समझेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं होगा आज आपके साथ, लाइव 72 रुपीज है, 100 रुपीज का वाउचर बनाया है, एक वाउचर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के लिए मैंने एड गिफ्ट कार्ड भी किया, जो मेरे पास पिन कोड आया मैंने उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, दूसरा पिन कोड भी उसका सीक्रेट नंबर दिखिए आपको दिख रहा होगा एक्टिवेशन पिन, उसको हमने यहीं से उठाया और यहाँ पर जाके हमने क्या करा, इस पिन कोड को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, अब अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो विद इन अ सेकेंड आपका वॉलेट का बैलेंस 172 रुपीज हो गया। अब समझिएगा ये कोई पेजॉल का वॉलेट नहीं है, ये कोई बोर्ड माई ट्रिप का वॉलेट नहीं है, ये वॉलेट है फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट में अभी इसी समय बिना पैसे दिए मैं 170 रुपीज की शॉपिंग कर सकता हूँ। नहीं सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ कैसे कर सकते हैं शॉपिंग भाई। चलो कोई बात नहीं, अपन इसको शॉपिंग के लिए चलते हैं। अभी मैं कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूँ आपके सामने ना, अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइव अपन शॉपिंग भी करते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो और मजा आएगा, कि लाइव हमको दिखने को मिलेगा तो और क्लियरिटी होगी माइंड में, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड होगी तो डेफिनेटली आपको भी चीजें समझ में आएगी क्या है क्या नहीं है। तो अभी कोई भी हम एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहा है हेडफोन्स वगैरह मान के चले हम लोगों ना, ये मैं हेडफोन्स यहाँ से उठा लेता हूँ। अभी हम एक लाइव शॉपिंग करते हैं, ये 799 का है, तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि पेमेंट हमारा कैसे कट रहा है उसके लिए। देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो 2999 रुपीज का है, बट फ्लिपकार्ट हमको 699 का दे रहा है, तो क्या हमको 699 का मिलना है? यस हमको 699 का मिलना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग, हमने बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक किया हमारा एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस पूछने के बाद ये क्या बोल रहा है, फ्री डिलीवरी है, कोई चार्जेस नहीं पे करना है, ओनली यू हैव टू पे 699 रुपीज। अब 699 के क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे अब हमसे पूछा जाएगा कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट देने जा रहे हैं, वॉलेट के माध्यम से देने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे मैंने आपको बताया हम तो पेमेंट करेंगे यहाँ पर, कुछ पेमेंट हमारा गिफ्ट कार्ड से जाने वाला है जो आपको दिख रहा होगा 172 रुपीज है, और उसके बाद हमारा कितना बैलेंस बचेगा आप ये लाइव दिखिएगा। अभी हमें टोटल कितना करना है, 699 रुपीज। अब 699 में से आप खुद इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कितना पैसा बच रहा है। देखिए 699 में जैसे ही मैंने गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट किया तो अब मुझे ओनली 527 रुपीज पेड करना है, मतलब 100% का पेमेंट जो है मेरा गिफ्ट कार्ड के थ्रू हो गया, अब जीरो बैलेंस बचा हुआ है। अभी मैंने 100 रुपीज का वाउचर बनाया था, कभी मैं 1000 का बचा था तो मुझे सिंगल रुपीज भी नहीं पे करना था। तो आप इस तरीके से इजिली शॉपिंग कर सकते हो। अच्छा शॉपिंग क्या करेंगे फ्लिपकार्ट से आपको बताने की जरूरत तो ही नहीं, क्योंकि आपको पता है किराना भी मिलता है, अपेरल्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। कैसे किराना मिलता है, चलो कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको लाइव ले चलता हूँ। देखिए ग्रोसरीज है, देखो एक आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से सब खरीद सकते हैं। देखिए ये आपको सामने शक्कर है, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ना तो आपको आपकी चॉइस बदलना है ना ही किसी की चॉइस बदलवाना है। आपने गिफ्ट कार्ड बनाया, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी, अच्छा ये बताओ ये तो हम कर सकते थे बट फायदा क्या हुआ, मुद्दे की बात की हमें फायदा होगा क्या। चलिए अब हम चलते हैं दोबारा हमारे खुद के एप्लीकेशन पर जिसका नाम है पेजॉल। अब आपके सामने मैं पेजॉल पे गया, पेजॉल पे जाके मैंने बैक बटन को क्लिक किया, 100 रुपीज का बनाया है तो 100 रुपीज में मुझे 24% मिलना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम। अभी आप देखिए हमने जो रिचार्ज किया था तो रिचार्ज करने के बाद आपको दिख रहा है 2.5 मिला था। अब हम फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे कि 100 रुपीज हमने वाउचर बनाया। अब मैं आपको पहले कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 24 बिजनेस वॉल्यूम मुझे इसका मिलेगा प्लस मुझे 2.5 पहले मिल चुका है, मतलब 26.5 टोटल हो जाना चाहिए, कभी सिस्टम लाइव है तो, और सिस्टम में खराबी होगी तो नहीं होना चाहिए। चेक करें अपन, चलो बैक चलते हैं, ये देखिए कितना है, सिस्टम लाइव है कि नहीं आप देखो, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ सारी चीजें, मेरे कोई भी चीजें नहीं है। देखो आपके सामने मैंने वाउचर्स बनाया, आपके सामने मैंने शॉपिंग की और ये सामने दिख रहा है आपको सारी चीजें। अब हमें सब्जियां खरीदना है, आप तो बार बार सब्जियों की बात करते, सब्जी कैसे आएगी, बोर्ड माई ट्रिप से सब्जी खरीदने पर इनकम कैसे आएगी। चलो फ्रेंड्स उसके लिए भी हम चलते हैं, हम यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ग्रोसरीज में। ग्रोसरीज में बिग बास्केट का वाउचर है,
बिग बास्केट का वाउचर भी हम 100 रुपीज का क्रिएट करते हैं। आपके सामने देखिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ 100 रुपीज का बिग बास्केट का भी क्लियर करेंगे हम। बिग बास्केट में मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे ग्रोसरीज है, किचन जितने भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं वो भी आ जाते हैं, प्लस हमें वेजिटेबल्स भी मिल जाती है। तो अभी मैं आपके सामने वही प्रोसेस दोहरा रहा हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट के लिए दोहराई थी। अगेन मैंने अपने एक नंबर पे व्हाट्सअप किया। अब इस वाउचर्स को मुझे क्लेम करना होगा क्योंकि हाई सिक्योरिटी है। तो देखिए मैंने क्लेम किया, यहाँ पर वाउचर आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ बिग बास्केट में ऐड कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बिग बास्केट हम ओपन करते हैं। बिग बास्केट में सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं आज आपको एक शॉपिंग भी करके दिखाता हूँ लाइव, मतलब मेरे घर पे कुछ सामान भी यहाँ पर आपके सामने लाइव मैं भेजने वाला हूँ। तो बिग बास्केट मैंने यहाँ पर किया। अब इसके बाद आपको करना है क्या है, आपको राइट हैंड साइड पे देखिए एक आपका ये प्रोफाइल वाला दिख रहा होगा, इस प्रोफाइल को क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए माय गिफ्ट कार्ड दिख रहा होगा, अभी ऑलरेडी देखेंगे आप इसमें तो 3500 रुपीज मेरे ऑलरेडी बिग बास्केट में है। अभी मेरा 3648 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे माय गिफ्ट कार्ड पे जाना है, यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर जो मेरी सिक्योरिटी पिन आई थी, अगेन मैं उसी पेज पे ले चलता हूँ आपको, उसको मुझे कॉपी करना है और कॉपी करके मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर रिडीम किया। अब आपके सामने लाइव देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नहीं पता है कि सिस्टम में क्या होता है। देखिए नीचे लिखा रहा है 100 रुपीज सक्सेसफुली। हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे वॉलेट को चेक करके। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर क्लिक किया, अब आपके सामने देखिए 3500 की जगह 3600 है, सब कुछ लाइव है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए अब मेरे घर में जो सब्जियां आएगी उन सब्जियों से मुझे इनकम मिलना है कि नहीं, आप बताओ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यस कैसे, आओ अपन वो भी यहां से करके देखते हैं लाइव। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, कुछ सब्जियां वगैरह खरीद लेते हैं आपके सामने, मैं लाइव ले लेता हूँ कुछ। यहाँ पर अपन व्यू ऑल्स में ले लेते हैं। मेरी वाइफ का भी फोन आ रहा था अभी, तो उसको बता दूंगा बाद में कि भाई फोन आ रहा था, शायद सब्जियों के लिए फोन कर रही होगी, डेफिनेटली मैं यहाँ से ऑनलाइन कर ही देता हूँ, है ना। अभी ये अपने पास दिख रहा है, बनाना वगैरह भी अच्छा है, ये भी ले लेते हैं अपन, है ना। इसके बाद मेरी बेटी को भिंडी पसंद है तो भिंडी भी ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए आपको शिमला मिर्च कैप्सिकम वगैरह दिया गया, ये भी ले लेते हैं। जिंजर ले लेते हैं, कॉलीफ्लावर ले लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं आपका। और इसके बाद कैबेज हमारे यहाँ खाते नहीं है ज़्यादा, इसलिए कैबेज छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए जो जो चीज़ें, बीटरूट बहुत सही चीज़ होती है भाई, ये तो आप भी खाया करो, बीटरूट अच्छा होता है, है ना। इसके बाद ये जितना भी आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा दिख रहा है, सिंदूरी आम इसको भी ले लेते हैं अपन। इसके बाद मस्क मेलन भी ले लेते हैं हम। इसके बाद और क्या लेना है, ये मशरूम, मशरूम अच्छा है, मशरूम ले लेते हैं हम। और इसके बाद मस्क मेलन भी ले लेते हैं हम। और ऑलमोस्ट ये मैं बैठा हूँ, आपको पता है ना, नहीं पता तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं बैठा हूँ अभी बैंगलोर में, बैंगलोर में क्योंकि हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ बैठा हूँ, और अभी मुझे प्रोडक्ट बाय करना है। ये मेरे घर पर तो कोई जाएगा नहीं ना अभी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर पे कौन जाएगा, कोई नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर मैं चेकआउट लेता हूँ, चेकआउट लेता हूँ और देखता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स है ना, देख लेते हैं अपन। अभी ये पूरा दिया हुआ है, अभी इसको मैं एक बार बैक बटन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बैक बटन में क्या है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पहले से भी ऐड हैं। अभी मैं आपके सामने सिर्फ वेजिटेबल्स को ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारे अभी 392 रुपीज के सिर्फ, है ना, ये 392 रुपीज के, ना इसमें पेट्रोल लगना है ना मुझे कहीं जाना है। आपके सामने मैंने चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि मुझे किस समय चाहिए। तो देखिए मुझे कल आपको दिख रहा होगा, टुमारो 4 बजे से 7 बजे तक मुझे प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। प्रोसीड टू पे, पेमेंट नहीं करूंगा मैं फ्रेंड्स, पेमेंट मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पेमेंट तो ऑलरेडी मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं जिसको मैंने बनाया था पेजॉल से। तो आपके सामने देखिए मैंने प्रोसीड टू पे किया, और प्रोसीड टू पे करने के बाद ये पेमेंट आपके सामने देखिए, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर, ये देखिए दिख रहा होगा आपको ना, ये यहाँ पर दिख रहा होगा वाउचर अवेलेबल, और ये मैंने इसको पे किया। अब आपके सामने देखिएगा ना कि लाइव होता है कि नहीं, देखिए ये ऑर्डर हो गया प्लेस, सक्सेस हो गया। अब बताइए सब्जी खरीदने पे इनकम है कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, चलो अब हम चलते हैं सब्जी खरीदने पे इनकम है कि नहीं अपन देखते हैं। हमारा पेजॉल वॉलेट बिग बास्केट का वाउचर बनाया सब्जी खरीदने के लिए, आप बोलेंगे यस बनाया। अब हमारे पास कितने परसेंटेज, 36% आना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम, आप बोलेंगे बस बिल्कुल आना चाहिए। तो 26.5 रुपीज में 36 और एड कर लो, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और हम देखते हैं बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 62 रुपीज पॉइंट ये आ गया आपके सामने। तो दोस्तों इतना करिश्मा आज तक बोला तो बहुत होने हैं, बट यहाँ पर बोर्ड माई ट्रिप ने करके दिखा दिया है, और बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम आना है, सब कुछ लाइव है यहाँ पर, रिचार्ज लाइव है, हर चीज एवरीथिंग इज ऑन लाइव। बहुत से लोग बोलते हैं हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर विड्रॉल लगाते हैं, पेमेंट नहीं आता है, कोई बात नहीं अपन पेमेंट की बात भी करेंगे यहाँ पर। अच्छा मुझे इसी मोबाइल पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लोगों ने रिचार्ज के लिए भेजा था, कोई नहीं मैं कुछ रिचार्ज वगैरह तो आपके लिए कर दूंगा फ्रेंड्स, है ना।
थोड़ी देर बाद। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली पेजॉल के बाद हम बोर्ड मैट्रिक पे, क्योंकि पेजॉल में मुझे सिर्फ आपको सर्विसेज ही यहाँ पर शेयर करना था कि सर्विसेज है और सर्विसेज के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमने लाइव दिखा दिया, अब हम चलते हैं यहाँ पर जबरदस्त चीज, और वो है हमारे पास बोर्ड माई ट्रिप। और बोर्ड माई ट्रिप में क्या है कि भाई हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा महीने में आता है, हफ्ते में आता है, 15 दिन में आता है। अरे नहीं फ्रेंड्स, कोई महीने हफ्ते भर में नहीं आता है, ये आता है आपके अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में। हेलो, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, ये आता है आपके अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि अभी कोई इसको अप्रूवल करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं क्रिएट विड्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने लाइव देखिएगा, क्रिएट विड्रॉल किया मैंने। यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज लिखा और यहाँ पर सेलेक्ट टाइप IMPS अपने आप ही हो गया। अब आप देखेंगे 850 रुपए मुझे कितनी देर में आता है। अब ये बात आ रही है व्यू SMS और व्यू ईमेल की, मेरे को कभी भी यहाँ पर SMS नहीं आते फ्रेंड्स। क्यों नहीं आते? क्योंकि मेरा मोबाइल DND में है और जो मोबाइल DND में रहता है उस पर मैसेज नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेल की, तो चलो मेल पे मैं ले लेता हूँ आपके सामने। मैंने मेल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे मेल पर आ जाएगा OTP और उस OTP को हम देखेंगे। और उस OTP के बाद यहाँ जैसे ही मैं OTP इंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पैसा आ जाएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स मेरे पास कुछ OTP वगैरह आया कि नहीं। यस, ये देखिए आपके सामने OTP आ गया, आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन कोड ये दिख रहा है आपको, 698442। ये मैं गया 698, मैं थोड़ा सा वहां पर क्या कई बार कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, तो मैं आपके सामने इसको इंटर ही करता हूँ मैनुअली ना। सिक्स, ये देखिए आपके सामने 698442, ये आपके सामने मैं अभी इंटर कर रहा हूँ। चलिए अब हम इंटर करने के बाद देखते हैं भाई कि पैसे वैसे के मुद्दे की बात है, जो हमने कमाई की है वो कमाई हमारे पास आती है कि नहीं आती है। तो आपके सामने देखिए, कई बार आपकी बैंकिंग साइट से सैटरडे संडे को पेमेंट लेट हो सकता है और आपके सामने देखिए मेरे बैंक से मैसेज आ गया। ये आपके सामने देखो मैसेज दिख रहा है, यहाँ पर ये मैसेज दिख रहा है कि क्रेडिट हो चुका आपके बैंक में पैसा। ये देखिए कितना देर लगा, कुछ सेकंड्स। 850 का विड्रॉ लगाया था, ये देख लेंगे 850 में आपको मालूम है IMPS का 6 रुपए कटता है, तो 844 रुपए मेरे पास 8:33 में लाइव क्रेडिट हो गया। सर ये तो समझ नहीं आया, ये बिल्कुल गलत है, ये तो आपने मैसेज बना लिया होगा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं यूनो बैंक लाइव अकाउंट में। आप देखिए मेरे कि 844 रुपए आया है कि नहीं आया है। तो कई लोग समझदार है ना, देखो बहुत से लोग समझदार होते हैं कि पहले से मैसेज सेट करके रखा होगा इन्होंने, है ना। चलिए अब हम चलते हैं मिनी स्टेटमेंट में, और मिनी स्टेटमेंट में मैंने पूछा आप देखिए 844 रुपए आया कि नहीं 11 जून को। तो दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म ना तो है और ना ही आने वाले 8-10 साल तक, तो भूल जाओ नहीं आने वाला। सब कुछ आपके सामने लाइव, मैंने आपके सामने घर की सर्विसेज ली बिजनेस वॉल्यूम लाइव, मैंने आपके सामने यहाँ पर विड्रॉल लिया लाइव, मैंने आपके सामने अपने घर के अंदर सब्जियां भेजाई, मैंने अपने घर के घर में जो सामान लगता है वही सामान लिया। मतलब ना तो किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किया, ना किसी को कराया, मैंने तो एंजॉय किया और एंजॉय कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो दोस्तों आखिर ऐसा प्रोजेक्ट क्यों ना किया जाए, अब सवाल ये उठता है। करने के तो बहुत सारे कारण हैं, अब नहीं करने के कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि जीवन में हर चीज से इच्छा मर गई है, कि पैसा नहीं कमाना है, परिवार को आर्थिक आजादी नहीं दिलाना है, बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दिलाना है, बच्चे अपनी वाइफ को फॉरेन नहीं घुमाना है, माता पिता को अच्छा स्टेटस नहीं दिलाना है। ये कभी कारण है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। और कभी ये कारण है कि हाँ मैं अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता हूँ, आज मैं अपने परिवार को सारी वो जो मेरे मन में ललक थी, जो मन में मेरे 10 साल 15 साल 20 साल पहले आया था, सारी चीजें लाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी चीजें देने वाला है, बहुत सारी चीजें, याद ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, बहुत सारी चीज आपको देने वाला है। कैसे देने वाला है, आखिर क्या कंपनी है, किस प्रकार ये कंपनी काम कर रही है, कब से काम कर रही है। भैया हमें ये तो बताओ कि कंपनी का कोई स्टेटस एक ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि अभी बना दी है 2 महीने पहले 6 महीने पहले। अरे दोस्तों अब आपको आने वाला है मजा, ध्यान दीजिएगा, अब आने वाला आपको मजा। और आपका मैं स्वागत कर रहा हूं सबसे पहले एक ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट में जहां पर सैकड़ों परिवार हैप्पी है और खुशी खुशी यहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स मैं आप सभी को स्वागत करते हुए ले चलता हूं आपको BMYT के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जहां से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम समझेंगे आखिर ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। हेलो, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो 1 साल 2 साल नहीं 4 साल कंप्लीट कर चुका है। आप भी कभी बोर्ड माई ट्रिप का एसोसिएट हो चुके हो तो आप भी प्राउड फील कीजिए, 2000 से ज्यादा लोगों को हमने इंटरनेशनली ट्रिप करा चुके हैं।
मतलब कितना प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए कि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये मान के चलिए 2 साल तो कोरोना रहा, उस कोरोना रहने के बावजूद भी 2000 हैप्पी क्लाइंट्स आज हमारे साथ हैं। और अच्छी फक्र की बात तो ये है कि वो 2000 रिपीटेशन वाले क्लाइंट हैं, और जो रिपीटेशन करता है मतलब वो हमारी सारी सर्विसेज से एग्री कर रहा है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या कंपनी के पास है? दोस्तों मैं बोलूंगा सिर्फ इंडिया ही नहीं, हेलो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बोर्ड माई ट्रिप रजिस्टर्ड है, और यहां से वहां की सरकार के द्वारा भी यहां पर सर्टिफिकेशन लेके रखा हुआ है। और आप कभी थाईलैंड जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, आप कभी थाईलैंड जाते हैं, आप कभी पटाया जा रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ पहले आप एक बार ऑफिस विजिट करके आए दोस्तों। अरे हम चौड़े होकर क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है कि हम ठोक के बजा के काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जहां पर किसी का नाम नहीं और डिसेंट्रलाइज के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है। यहाँ तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, और सेंट्रलाइज भी डिसेंट्रलाइज जैसे फीचर्स दे रहा है। जैसे आपके सामने मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया विड्रॉल का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वाउचर मेकिंग का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लाइव वीवी का बिजनेस वॉल्यूम का, जैसे मैंने लाइव एग्जाम्पल दिया घर पे प्रोडक्ट पहुंचने का, किसी भी एडमिन के अप्रूवल की जरूरत लगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगी क्या? नहीं लगी। तो ये भी तो डिसेंट्रलाइज है बॉस। अच्छा डिसेंट्रलाइज में ये होता है कि वहां मालिक का नाम नहीं पता होता है, वहां एड्रेस नहीं होता है। यहां पर आपके सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा इंडिया में जो हमारा ऑफिस है जो गुजरात स्टेट में सूरत सिटी में है, ये बिल्कुल आप जाइए, स्वागत है आपके सामने। सबसे पहले मैंने वही वीडियो चलाया था कि फिजिकल ऑफिस भी देखिए आप कंपनी का। साथ ही साथ मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन तो है। आप बोलेंगे ये पहला वाला डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा, ये आखिर है क्या? दोस्तों देखो कोरोना आया, कोरोना आने क्या हुआ कि टूर एंड ट्रिप की सारी कंपनियां बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि तो आपको पता है कोरोना आया था, सब फ्लाइट बंद हो गई थी। तभी हमारे कंपनी के ऑनर के माइंड में एक सवाल आया कि साला ऐसे तो कभी फ्यूचर में भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई नई बीमारी आ जाएगी तो हमारे यहाँ जो लाखों लोग या करोड़ों लोग आ जाएंगे उनका तो करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये करियर बेस्ड बिजनेस है। तभी उनके माइंड में आया कि सब कुछ चल रहा है, साला लोग हाथ में पैसे लेने के लिए नहीं तैयार हैं, और वहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, धनाधन पैसे को कमाया जा रहा है। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ऐजाद करें जहां से कभी भी जीवन में कोई दिक्कत, कभी जीवन भर ना आए, क्योंकि तो उसका ट्रांजेक्शन ही डिजिटल पेमेंट से कर दिया जाए। तब यहां पर ईजाद हुआ, आप देख रहे होंगे पेजॉल, और पेजॉल को हम नहीं, ध्यान दीजिएगा, पेजॉल को हम नहीं, भारत सरकार नवाज रही है। स्टार्टअप इंडिया की ओर से सर्टिफिकेट दिया है कि आप भारत सरकार की मदद कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने में। तो दोस्तों आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम टूर एंड ट्रेवल से भी बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग से भी बिलोंग करते हैं, और हम यहाँ पर एफएमसीजी प्रोडक्ट से भी बिलोंग करते हैं। कैसे करते हैं बने रहिएगा, मैं आपको आने वाली स्लाइड से क्लियर करने वाला हूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि विजन कंपनी का क्या है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटी सी बात। आप खर्चे कीजिए, आप इनकम लीजिए, कंपनी का ये विजन है। बोलो अब आप अपनी फैमिली को सारी इंजॉय कराइए, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप कराइए, यही तो कंपनी का विजन है। अच्छा ये विजन कितना बड़ा है, पढ़ने में तो छोटा सा लग रहा है, बट आप कागज पेन में लिख लीजिए 50 पेज, अल्टीमेटली घूम फिर के समराइज करोगे ना तो समराइजेशन यही निकलेगा कि यार मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, उनको एंजॉय कराना चाहता हूँ, और मेरे घर में इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। मुद्दा यही रहेगा, उस सारे मुद्दों को 2 शब्द में खत्म कर दिया है। अब ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैं नहीं बोलूंगा, आप यहाँ सैकड़ों लोगों से पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने आज मुझे बड़ा फक्र हुआ और बड़ा प्राउड फील होता है जब फैमिली का मेंबर कुछ शेयर करता है। हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से विष्णु सालमपुरिया जी हैं, उन्होंने क्या पोस्ट डाली आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैं उस पोस्ट की ओर ले चलता हूँ एक बार, इसलिए ले चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको और हमको समझना जरूरी है कि आखिर लोगों की फीलिंग है क्या सिस्टम को लेकर, आखिर यहाँ पर क्यों लोग इतने ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ला रहे हैं। मैं आपको विष्णु सालमपुरिया की ही पोस्ट में ले चलता हूँ और आज उनको दिखाता हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपको क्या फील होगा। सच बता रहा हूँ, दिल गदगद हो जाएगा कि भाई आज कोई तो ऐसा सिस्टम है जो हमको ये सारी चीजें दे रहा है, और क्या प्राउड फील हो रहा है। ये आप स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे पढ़िए लिखा क्या है। लाइफ में कभी सोचा नहीं था इंडिया के कभी बाहर जाने का, और अब इनका सपना सच हो रहा है बोर्ड माई ट्रिप से। सोचो दोस्तों 26 साल पहले इन्होंने गोवा जाने का सोचा था, बट यहां पर चले गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, और फैमिली के साथ। तो दोस्तों क्या है यार, मुझे बताओ क्या पैसे कमाना सब कुछ है क्या? अरे लाइफ को एंजॉय करना भी तो जरूरी है।
आज हमारे घर में माताएं बहनें हैं, आज हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा तो होती है, बट कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उनकी इच्छाओं को मारते हैं। देखिए दोस्तों, कड़वा जरूर है पर सत्य है, हमें उनकी इच्छा मारना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से ये भी हो पाए। बट आपके सामने देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने के बाद मुझे प्राउड फील हुआ कि यार मजा आ गया। और कितना मतलब थैंक्स बोल रहे हैं वो सीएमडी सर को कि यार उन्होंने फ्लाइट में भी घुमा रहे हैं, पैसा भी दिला रहे हैं और अब आपके खर्चों पर भी पैसा आ रहा है। तो सच में नहीं है ऐसा प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस में भी मिलेगी। मैं फिर बोलूंगा, बोर्ड माई ट्रिप में कभी आप काम नहीं भी करेंगे ना, मैं ध्यान दीजिएगा, नहीं भी करेंगे ना, तो मैं ये बोलूंगा सपनों को जगाना तो सीख जाएंगे दोस्तों। और जिसके सपने जिंदा हैं वो एक्चुअल में जिंदा है देखा जाए तो। तो ये आपके सामने कंपनी का विजन था। अब मैं बताना चाहता हूं कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे आप जानते हैं बोर्ड माई ट्रिप का नेचर ऑफ बिजनेस है क्या, आप बोलेंगे ट्रेवल। यस, ट्रेवलिंग का है। अच्छा, हम लोग एक्सक्लूसिवली गोवा और थाईलैंड पैकेज देते हैं। कितने में? विथ जीएसटी सिर्फ 12,600 रुपए में। आखिर कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज मिलती है हमें इस ट्रिप में, आइए फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करता हूं। 12,600 रुपए में, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो चुका है, जो दो व्यक्तियों के लिए है, जिसमें ब्रेकफास्ट दोनों व्यक्तियों को मिलने वाला है, दोनों व्यक्तियों का डिनर मिलने वाला है। आप बताइए, स्टे तो है फ्री, साथ में ब्रेकफास्ट डिनर कोई नहीं देता यहाँ पर। आप ले लीजिए अभी गोवा आईवीओ से, आप ले लीजिए ओयो रूम से, आप ले लीजिए मेक माई ट्रिप से, कोई भी डिनर नहीं देगा। डिनर नहीं देगा, इसके साथ साथ यहाँ पर 1600 रुपए, हेलो ध्यान दीजिएगा, 1600 रुपए कभी आप गोवा एयरपोर्ट आए हैं, गोवा बस स्टैंड आए हैं, गोवा रेलवे स्टेशन आए हैं, तो वहां से आने जाने का भाड़ा भी कंपनी जो 1600 रुपए दे रही है। कोई कंपनी सुना है क्या आपने? ये 1600 रुपए दे रही है आपको, रेडी आपके यूटिलिटी में जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर साइट सीन भी दे रही है कि आप एक दिन नॉर्थ गोवा घूमिए, एक दिन साउथ गोवा घूमिए। आप बताइए कितना जबरदस्त। नहीं है फ्रेंड्स, मैंने तो सब जगह क्रॉस चेक कर लिया, इतना सस्ता इतना अच्छा पैकेज नहीं है। मेरे साथ के कुछ लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ लॉयर हैं, उनको मैंने रिकमेंड किया ट्रेडिशनल मार्केट के तहत, उन्होंने एक्सेप्ट किया और रिटर्न आने के बाद बोले भाई मजा आ गया, लिटरली बता रहा हूँ मजा आ रहा है। और उनको मैंने एक ही शब्द बोला, भाई मजा तो आ गया, मुझे बताओ कि तुम दोनों गए थे ना घूमने के लिए फैमिली के साथ, मेरे जेब में 5,000 रुपए की इनकम आई। बोले क्या बात कर रहे हैं, हमको तो बताया नहीं। तो उनको मैंने बताया तो उनका काम भी निकल गया। अच्छा, वो कोई एमएलएम से बिलोंग नहीं करते हैं, बट मुझे पता है ऐसा कौन सा घर है जो घूमने की चाहत ना रखता हो। तो दोस्तों, जो लोग आज ऑनलाइन वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हैं उन्हीं को हम अप्रोच कर दें। आज बात आ रही है यहाँ पर थाईलैंड पैकेज की, कि थाईलैंड पैकेज आखिर कंपनी ने रखा क्यों है। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है यार कंपनी ने थाईलैंड रखा, समझ नहीं आ रहा है क्यों रखा है। चलो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, आखिर विजय सर ने ये चीजें रखी है तो क्यों रखी है भाई, कुछ तो उसका रीजन होगा ना, तो आखिर उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, ये मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ये आपको गूगल बताएगा तो बड़ा मजा आएगा। तो गूगल क्या है, उस पर ज्यादा ट्रस्ट है हम लोगों को, गूगल जो बताता है वो सही बताता है, ऐसा है ना, सही बताइए, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग कि गूगल ने बता दिया तो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली गूगल पे ले चलता हूँ। और गूगल पे हम लोग है ना सर्च करते हैं यहाँ पर थाईलैंड विजिटर, और अभी का नहीं, हम पुराने 4 साल पुराना करते हैं और अभी का भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपके सामने देखिएगा, इस स्क्रीन के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर थाईलैंड ही विजय सर के माइंड में क्यों आया। तो वो आने का रीजन सिर्फ इतना सा था कि देखिए, थाईलैंड विजिटर फ्रॉम इंडिया 2019 आपके सामने सर्च किया, और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको जूम करके बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थाईलैंड में 2 मिलियन इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं, ये 2019 मैंने सर्च किया, 2023 आ गया। देखो आप, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं, 20 लाख लोग तो ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये 50,000 40,000 60,000 रुपए तो दे ही रहे हैं 20 लाख लोग, इनमें से कभी आप और हम लोगों के माध्यम से सिर्फ 10% लोग ही आ गए, 10% लोग ही बोट माई ट्रिप के थ्रू जाने लगे। तो वैसे ही आप और हम लोग करोड़पति हैं, जैसे आपको सिस्टम के बारे में पता है। तो यहाँ पर डिमांड है, डिमांड आपको और हमको पैदा नहीं करना है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल बता रहा है, देखिए आपके सामने गूगल है, ये गूगल पे मैंने सर्च किया थाईलैंड विजिटर फ्रॉम इंडिया, तो आपके सामने देखिए करीबन 20 लाख लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बोलते हैं ना, नई जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेकर हो। फ्रेंड्स बने रहिएगा, मजा आने वाला है एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में जानने में, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे आज यहाँ पर।
तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि हमारे पास थाईलैंड पैकेज में क्या क्या सुविधा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी दी गई। अब बात आ जाती भाई, ये तो सब समझ में आ गया, खर्चों पे इनकम कैसे मिलेगी और कौन कौन से खर्चों पे इनकम मिलेगी। तो चलिए मैं अब आपका ध्यान वहां पे भी ले चलता हूँ। जैसे हमारे पास पेज़ॉल बैंकिंग टेलर भी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, उसको भी दूर करता हूँ। पेज़ॉल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, आखिर ये पेज़ॉल बैंकिंग क्या है और पेज़ॉल बैंकिंग कब आएगी ये तो बताओ। तो आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, आखिर टेलर क्या है और टेलर कब आने वाला है ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि स्पेशल मीटिंग है ना फ्रेंड्स। पेज़ॉल जो है यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, ऐसी अनेकों एप्लीकेशन है जो मनी ट्रांसफर कर रही है, जो बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज दे रही है, वैसे ही हमारा पेज़ॉल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे सर्विसेज लाइव दिखाया, दिखाया नहीं उसको मैंने यूज करके भी दिखाया, और ये भी बताया कि उसमें इनकम कैसे हमारी जनरेट हो रही है ना। अब पेज़ॉल बैंकिंग क्या है, पेज़ॉल बैंकिंग जस्ट लाइक एक मिनी बैंक है। मिनी बैंक देखिए उसका जो टैगलाइन है ना उसको ध्यान से पढ़िए, देखो कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं देते कुछ चीजों पे। इसका नीचे क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग एट डोर स्टेप, बैंकिंग आपके घर के दरवाजे पे आ रही है, दस्तक दे रही है फ्रेंड्स। अब आप बैंक खोलना चाहते हो और सबसे बढ़िया बैंक किसको मिलने वाली बताएं, अभी जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है वो तो लाइफ टाइम के सब कुछ फ्री, टेंशन फ्री होने वाले हैं। सबसे पहले उनको ये बैंकिंग मिलने वाली है विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में मिलने वाली है। और इसमें क्या सर्विसेज देंगे, आप कभी किसी का डीएमटी करते हैं, आप किसी का डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, आप किसी का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, आप कभी किसी बाइक का इंश्योरेंस करते हैं, ऐसी अनेकों सर्विसेज सर और बताइए मजा आ रहा है। अरे बस टिकट करते हैं, रेल टिकट करते हैं, फ्लाइट टिकट करते हैं, यस ये सारी सुविधा आपको पेज़ॉल बैंकिंग में मिलने वाली है। और अगले जो मीटिंग आने वाली है सैटरडे की, उस मीटिंग में मैं लाइव बताने वाला हूँ पूरा उसका डैशबोर्ड, क्योंकि तो अगली मीटिंग तक हमारे पास तो प्रीपेड कार्ड भी आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बनाई जा रही है, बस बात वही ना, ताजमहल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस जरूर है, बट पेज़ॉल बैंकिंग भी हर एक फ्रेंचाइज यूजर्स को लाइफ टाइम बेनिफिट देगी फ्रेंड्स। और टेलर क्या है, यहाँ पर टेलर जस्ट लाइक एक बार कोड है, क्यूआर कोड है, जिस प्रकार आपने देखा होगा आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे का लगा रहता है दुकानों पर, वैसा ही ये एक टेलर रहेगा जिसमें हर एक मर्चेंट, हर एक दुकानदार पेमेंट को रिसीव करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, अरे भाई मैं तो एमएलएम का प्लान समझ नहीं आया था, ये तो आपने बैंकिंग का प्लान दे दिया। दोस्तों यही एक कॉम्बिनेशन है, दुनिया का पहला यूनिक कॉम्बिनेशन, हेलो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला यूनिक कॉम्बिनेशन जो आपको टूर एंड ट्रेवल के साथ बैंकिंग सिस्टम के साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट दे रहा है, जो किसी ने नहीं लाया, ना सोच सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। अरे पेज़ॉल बैंकिंग हमारा आ रहा है, बैंकिंग समझ रहे हैं आप, खुद का यूपीआई नंबर आएगा हमारा। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, कभी कर दिया तो सिर्फ पछताना ही है आने वाले समय में। टेलर से क्या होना है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति टेलर के माध्यम से पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट किससे करेगा, आप फोन पे से भी कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, किसी भी यूपीआई से कर सकते हो। टेलर तो टेलर है, बारकोड तो बारकोड, यूपीआई तो यूपीआई है, एक्सेप्टेंस करेगा, देगा। हाँ बट कभी कोई पेज़ॉल के माध्यम से पेमेंट करेगा तो क्या होगा, यूजर्स को भी बेनिफिट है और टेलर को भी बेनिफिट है। सर ये तो आपने इतनी सारी चीज बता दी, ये तो मुझे लग रहा है तो पूरा ट्रेडिशनल मार्केट है। हाँ जी ये ट्रेडिशनल मार्केट ही है, ये मैं एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ रहा है। मुझे बताइए आप 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ पे लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको पेज़ॉल की, बट आप चाहते हैं ऑनरशिप लेना तो बोर्ड माई ट्रिप आपको ये ऑनरशिप दे रही है, क्योंकि यहां पर आप कोई इंप्लॉय नहीं बन रहे हो, यहां पर आप पार्टनर्स बन रहे हो, एसोसिएट बन रहे हो, सारी चीजें आपके सामने होना है। चलो ये सब कुछ समझ में आ गया, आखिर पेज़ॉल की सर्विसेज क्या है, चलिए पेज़ॉल की सर्विसेज आपके सामने है कि सारी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई लाइव आज वही सर्विसेज है, परसेंटेज है, ये सारी सर्विसेज आज लाइव एंजॉय कीजिए जिसमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपने घर के खर्चों को कर रहे होंगे और उनके घर के खर्चों को करने से हमको रीपर्चेस इनकम मिलेगी, क्योंकि दिस इज द रीपर्चेस प्लेटफॉर्म नहीं है फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कुछ समय लगेगा लोगों को समझने में, बट यहाँ पर बैठे हुए 337 लोग तब तक करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आप और हम तो समझ रहे हैं ना आज, वो लोग समझेंगे 2024 में 25 में,
हम लोगों को यहाँ पर समझ के सही तरीके से डुप्लीकेशन करना है। यहाँ पर कैश कूपन्स भी आते हैं, मॉल पॉइंट्स भी आते हैं, और यहाँ पर कूपन्स में मिलने वाले सारी चीजें मिलने वाली है। अच्छा, पेजॉल को यूज करने के लिए क्या हमको 525 रुपए देना होता है? क्या हमें ईगल पैकेज लेना होगा? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। पेजॉल को यूज करने के लिए कोई भी व्यक्ति फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हाँ, उसको इनकम लेने के लिए बोर्ड माई ट्रिप में मिनिमम 525 रुपए से बुकिंग करनी पड़ेगी। कोई मेंबरशिप अमाउंट नहीं देना है, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देना है, किसी प्रकार से प्रोडक्ट खरीदने का अमाउंट नहीं देना है। तो आखिर 525 है क्या? 525 है बुकिंग अमाउंट, थाईलैंड का बुकिंग अमाउंट। कैसे हम उसको ऐसे छोटे हो सकते हैं? आइए फ्रेंड्स, आपके सामने मैं ले चलता हूं। मिनिमम 525 से भी आप यहां पर एसोसिएट बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। आपको बुक करना है यहां पर थाईलैंड पैकेज। हमारे पास से दो ही ज्वाइनिंग है। पहला ज्वाइनिंग हमारा है 525 का, और दूसरा जो आपके सामने दिख रहा है प्रोफेशनल पैकेज 12,600 का। आखिर ये दो रखे क्यों हो गए हैं ये बताइए। मैं किसी को प्लान बताने जाता हूँ, वहां पर मुझसे पूछ लिया जाता है, भाई 12,600 कंपनी तो इन्वेस्टमेंट करा रही है, मतलब ये भी कंपनी धीरे से निकल जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे, 525 से आपने ज्वाइन किया है, जब तक आपके पास 12,000 BMYT नहीं होंगे तब तक आप थाईलैंड नहीं जा सकते। मुझे बताइए धीरे 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 करके 6 महीने तक कितने लोग होंगे जो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि थाईलैंड 6 महीने बाद जाना है? आप बोलेंगे भाई इसमें तो बहुत सारी कंपनियां जा चुकी है, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तभी तो यहाँ पर सभी चीज का ऑप्शन रखा गया है। कभी आप यहाँ पर 12,000 पैकेज का अभी यहाँ पर बुकिंग करते हैं, आप आने वाले 10 दिन के बाद, आने वाले 15 दिन के बाद, आने वाले 1 महीने के बाद थाईलैंड या गोवा चले जाइए। कोई आपको अपग्रेडिंग सिस्टम से नहीं गुजरना है, आपको डायरेक्टली यहां पर 12,600 से आना है और आप 12,000 BMYT से बुक कर सकते हैं। दूसरा मुझे आप बताइएगा, आप ही से पूछ रहा हूँ, यस मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आपके कोई फ्रेंड है जिसको नेटवर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी अभी शादी हुई है, जिसकी अभी एनिवर्सरी है, जिसके घर में कुछ अच्छा बड़ा फंक्शन हुआ है, वो घूमने की इच्छा रख रहा है, और आप उसको बोलो भाई 525 से बुकिंग कर ले, 1 साल बाद घूमने चले जाना, तो क्या वो आपसे पैकेज लेगा क्या? नहीं लेगा फ्रेंड्स। कभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कभी वो लॉयर है, उसको तो आज चाहिए, तो आज चाहिए, तो कभी 525 से रखते तो आज उसको भेजा सकते थे क्या? नहीं भेजा सकते थे। बट 12,600 रखने से क्या है, वो आज बुकिंग करेगा, आने वाले 10 दिन के बाद वो घूमने आ सकता है। दैट्स व्हाई ये दोनों पैकेज आपके सामने लाइव है। अब आप बोलेंगे चलो 12,600 समझ में आ गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कंपनी ने 525 क्यों रखा? फिर हटा दो ना इसको, क्यों रखा रेगुलर प्रीमियम क्लासिक? उसका भी रीजन है। मुझे बताइए पेजॉल पे क्या चाहिए? यूजर्स। और यूजर्स आज इंडिया में 12,600 देने वाले कितने लोग होंगे? एक परसेंटेज निकाल लोगे आप, हर व्यक्ति नहीं दे सकता, बट 525 हर व्यक्ति दे सकता है। और क्या चाहिए कंपनी को? नंबर ऑफ यूजर्स पेजॉल पे। तो दोस्तों नंबर ऑफ यूजर्स के लिए 525 से वो यहां पर स्टार्टिंग करता है, और स्टार्टिंग करने के बाद धीरे धीरे, मैं फिर बोल रहा हूं, धीरे धीरे पैसे कमाते हुए अपग्रेड करता है, और अपग्रेड के बाद वो थाईलैंड घूमने 100% जाएगा। बोलेंगे कैसे? मुझे बताइए 525 से ज्वाइन किया, 500 उसको BMYT मिले, आप ऐड कीजिएगा आपके कैलकुलेटर पे, कागज पेज हो उसको ऐड कीजिएगा, फिर 1,000 BMYT मिले, फिर 3,000 BMYT मिले, फिर 7,500 BMYT मिले, टोटल कितने BMYT हो गए? आप बोलेंगे तो 12,000 हो गए। यस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बोला 12,000 BMYT अभी ले लो, या 12,000 BMYT धीरे धीरे कलेक्ट कर लो, दोनों ही आपके सामने ऑप्शन है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लीडर्स आपको दिखेंगे जिसकी काम करने की तो बहुत इच्छा है, बट 12,600 नहीं है, तो क्या वो नहीं आ सकता सिस्टम में? नहीं, वो भी आ सकता है, 525 से आ सकता है, 799 से आ सकता है, और 999 से भी आ सकता है। आखिर ये 799 और 999 है क्या? दोस्तों देखिए 799 में अभी जस्ट कंपनी ने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च करा है, और वो कार्ड की कीमत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आप बुकिंग दे रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिएगा। कंपनी यहां पर चाहे वो 525 हो, चाहे वो 799 हो, चाहे वो 999 हो, कंपनी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं ले रही है, पैकेज की बुकिंग कर रही है जिसमें BMYT मिल रहे हैं। जहां BMYT मिल रहा है मतलब वो बुकिंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको वहां पर कार्ड मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको डिजिटल कार्ड मिल रहा है, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं आप, है ना? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम क्या चल रहे हैं यहाँ पर हम आ गए सिस्टम में, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है हमें? सभी से 1 PV की यहाँ पर एंट्री मिलने वाली है, 1 PV की एंट्री मिल गई, सभी में हमको BMYT मिलने वाले हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आने वाला है? प्रीपेड कार्ड आने वाला है, और यहाँ पर लकी ड्रॉ में भी हम शामिल होने वाले हैं, प्लस 750 रुपए मिलने वाले हैं। अब बोलेंगे भाई ये क्यों?
मुझे बताइए, आप मार्केट में निकलोगे, बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहां पर आप जाओगे, तो वहां पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भाई कभी मैं जीवन भर किसी को नहीं बता पाया तो बोलना कोई टेंशन नहीं, आप पेज ऑल यूज कीजिए, साल भर 1 महीने में 50 रुपए कमाइए, 12 महीने में कितने हो जाएंगे 50 रुपए के हिसाब से, आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों 600 रुपए कितने दिया उसने, 525, 3 रुपए डेली क्लेम से 750 कमा लीजिए, कोई रिस्क है क्या, कोई लाइबिलिटी है क्या, कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं, तो वो व्यक्ति भी 100% सेटिस्फाइड हो गया। बट टास्क कब मिलता है, क्यों, कब बंद हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, टास्क उसी को मिलेगा जो व्यक्ति सिर्फ डेली क्लेम लेने आया हो, जो इनकम कमाने आया हो, और जिसने 1000 रुपए से ज्यादा की इनकम कमा चुका हो उसको टास्क बोनस फिर नहीं मिलता है 1000 रुपए कमाने के बाद। हाँ, जिसने माँ कसम खाई कि नहीं मैं तो पूरे 250 दिन तक टास्क करूंगा और 750 रुपए लेके रखूंगा, तो लेते जाए, कंपनी ने तो प्रमोशनल रखा ही है सभी के लिए। अब बात आ जाती है कि इस BMYT को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं थाईलैंड पैकेज बनाने में, लकी ड्रॉ में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ शॉपिंग में भी। हेलो, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर FMCG की ओर, FMCG प्रोडक्ट जो करीबन 140 प्रोडक्ट लाइव है हमारे पास, आज हम बात करें तो हमारी फ्रेंचाइजी उदयपुर में भी, आज हमारी बात करें तो फ्रेंचाइजी धीरे धीरे बढ़ रही है, वेयर हाउस की मैं बात करूं तुमकुर में, बहुत जल्दी हम महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हमारा वेस्ट बंगाल में, स्पेशली मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त लीडर है हमारे, सभी लोग ओपन करने जा रहे हैं, दिल्ली में हमारे रावत जी हैं, रावत जी के पास प्रोडक्ट पहुंच ही चुके हैं, तो धीरे धीरे चीजें पहुंच रही है, मतलब हम यहाँ पर हमारे BMYT को प्रोडक्ट बाय करने में भी खरीद सकते हैं, तो सारी चीजें हो गई। आप बताओ भाई, हम आते पैसे कमाने, खर्चे से पैसे कमा लिए, सब्जियों से पैसे कमा लिए, किराने से पैसे कमा लिए, घूमने का घूमना हो गया, डेली टास्क के पैसे कमा लिए, बट ये पैसे तो मुझे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 के रूप में आए, मुझे कमाना है बड़ा पैसा, तो वो है क्या बोर्ड माई ट्रिप में? यस फ्रेंड, अब मैं आपको उस यात्रा की ओर ले चलता हूँ जहां से बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं, यकीन मानिएगा, कभी एक साल आपने सिर्फ बोर्ड माई ट्रिप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी इच्छा 1,00,000 रुपए की, आपकी इच्छा 10,00,000 रुपए की, आपकी इच्छा 50,00,000 रुपए की है, और आपकी इच्छा 1,00,000 रुपए की है, आप 100% कमा सकते हैं, क्योंकि प्रूवन हो चुका है सिस्टम में, तब ये मैं बात बोल रहा हूं। कौन कौन सी इनकम है? सबसे पहली हम इनकम है हमारे पास यहाँ पर फ्रेश साइकिल बोनस 100% कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पर जितनी भी इनकम है सारी इनकम कैरी फॉरवर्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इनकम सिर्फ 10 बार ही मिलती है हमें दिन में, ये इनकम 10 बार ही मिलती है, क्या ये बाइनरी या मेजर इनकम जैसी है? अरे दोस्तों, दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम, एक बाइनरी नहीं, दो बाइनरी नहीं, तीन बाइनरी नहीं, चार चार बार बाइनरी जैसी इनकम देता है। आप बोलेंगे कैसे? अच्छा, जो लोग ज्वाइन है मुझे आप बताइएगा, फ्रेश साइकिल बोनस बाइनरी है कि नहीं? आप बोलेंगे यस है। अच्छा मुझे बताइए, टीम बोनस बाइनरी है कि नहीं? बोलेंगे हाँ यस है। अच्छा मुझे बताइए, जहां पर हमें क्लब बोनस मिलता है, एक ईगल लेफ्ट, एक ईगल राइट और 200 रुपए मिलता है, वो बाइनरी हुआ कि नहीं? बोलेंगे हाँ ये भी हुआ। अच्छा मुझे बताइए, रिवॉर्ड में कभी आपके 500 लेफ्ट और 500 राइट आ जाएंगे तो वो भी तो बाइनरी होगी ना? अरे दोस्तों, यही मजा है, लिटरली बोल रहा हूँ, चार चार टाइप से बाइनरी निकाल रहे हैं, सिर्फ समझने समझने का अंतर है। और आज ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जिसने 10% की भी मैचिंग इनकम दिया, बाइनरी दी ना, वो सिस्टम भी नहीं चल पाए। बट यहाँ पर सिस्टम का चलने का उद्देश्य है कि यहाँ पर कैलकुलेशन है, फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकम बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि कंपनी में हर एक PV का यहाँ पर 200 रुपए निकलता है, और जितने भी लोगों ने डेली मैचिंग ली उसमें डिवाइडेशन करके उसकी एक वैल्यू निकल जाती है, एक PV की वैल्यू। जैसे अभी आप देख रहे होंगे 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए आ रही है। ये बढ़ेगी कैसे? ये बढ़ेगी आप और हम लोगों के काम करने से। कंपनी कुछ नहीं करेगी, कंपनी ने फॉर्मूला डाल दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर में कभी एक एंट्री आएगी तो भी वो PV की वैल्यू निकालेगा, 100 एंट्री आएगी तो भी निकालेगा। कभी किसी लीडर ने ये बोला कि भाई यहाँ पर इनकम PV की वैल्यू कम आ रही है? दोस्तों ये आप दोषारोपण मत कीजिए, यहाँ पर PV की वैल्यू बढ़ाने में आप और हमको मेहनत करना पड़ेगा। मैं छोटी दे रहा हूं आज इस मीटिंग में बैठे हुए 328 लोगों को, आप दो दो एंट्री लगा लीजिए, 100 रुपए 150 रुपए से ऊपर जाएगी PV की वैल्यू, 150 रुपए से ऊपर जाने वाली है। इसमें तो ये 143 रूल लिखा, हाँ बस ये हम सिर्फ देखकर बोले कि यार PV की वैल्यू बढ़ जाए, तो विजय सर ने फॉर्मूला बनाया है, विजय सर PV की वैल्यू नहीं निकालते, विजय सर ने फॉर्मूला रखा कि इस फॉर्मूले के हिसाब से एक PV की वैल्यू आएगी। हाँ ये 10 बार बटेगा। अच्छी बात क्या है, ये सारे इनकम में पैकेज के अकॉर्डिंग मैच होती है, ये PV से मैच नहीं होती है, ये पैकेज से मैच होती है। जैसे 525 के आपके यहाँ पर 10 PV आए लेफ्ट में और राइट में 8 PV आए, तो दो आपको दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड हो गए, और मान के चल रहे हैं 143 रुपीस कभी 1 PV का वैल्यू निकला तो 1144 रुपीस उसकी सिर्फ रेगुलर पैकेज की इनकम हुई।
बट यहां पर मैं बात करूं प्रीमियम की, तो प्रीमियम के लिए क्या है यहां पर, जैसे ही प्रीमियम यहां पर आपको दिख रहा होगा, चार पीवी आए और लेफ्ट में दो पीवी राइट में आए, तो दो कैरी फॉरवर्ड हो गए और यहां पर जो इनकम जा रही है वो इनकम आपको 143:2 दिख रहा होगा आपको। दोस्तों ये आपको पैकेज टू पैकेज मैच होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, फ्रेश साइकिल बोनस पैकेज टू पैकेज मैच होता है, टीम बोनस पीवी टू पीवी मैच होता है। तो ये आप हर पैकेज का 10 times ले सकते हैं, 10 times। आप बोलेंगे तो मजा आ गया भाई, मैं तो समझ रहा था कि टोटल पूरे इनकम में 10 बार मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, रेगुलर का 10 times, प्रीमियम का 10 times, क्लासिक का 10 times, क्राउन का 10 times, ईगल प्रो का 10 times। और सबसे अच्छी बात यह है, प्रीमियम क्लासिक क्राउन करने के लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो रहे हैं लोग, अपने आप ही सुबह उठते बोलते पता नहीं यार इनकम कहां से आ गई, क्योंकि नीचे लोग अपग्रेड हो जाते हैं अपने आप तो इनकम आ जाती है। तो ये इनकम आप ले सकते हो, इस इनकम के लिए आपको सिर्फ देखना है कि आपका पैकेज किससे है। कभी आपका पैकेज 1 PV से है तो 1 PV के अकॉर्डिंग इनकम मिलना है, कभी आपका पैकेज 20 PV से है तो 20 PV के अकॉर्डिंग इनकम मिलना है। यहाँ पर आप देख रहे हो 20 PV के अकॉर्डिंग इनकम हमारी बड़ी हो गई है और इस इनकम को हम इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये टोटल कंपनी टर्नओवर पर है, कंपनी ने हर एक पीवी से 200 रुपए निकाला है, 500 रुपए की ज्वाइनिंग है, 25 रुपए जीएसटी दिया जाता है, 500 रुपए में 200 रुपए कंपनी ने सिर्फ इस इनकम को बांटने के लिए निकाला है। कितना परसेंटेज होगा आप खुद लगा लेना। आप बोलेंगे 40%, यस 40% आपको दिख रहा है यहां पर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं उस इनकम की ओर जिस इनकम के बहुत लोग दीवाने होते हैं, और उस इनकम का नाम है हमारा टीम बोनस। और पहली कंपनी बोल सकता हूं ऐसी कंपनी है कि आप अपना पोजीशन बढ़ाते जाओ, आप अपना यहां पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी टीम बोनस का परसेंटेज बढ़ाते जाओ। अभी तो आप बोल रहे थे कि 40 रुपए आता है, नहीं नहीं अब 80 रुपए भी आ सकता है पर पीवी की मैचिंग से। जैसे 525 की आईडी लेफ्ट, 525 की आईडी राइट आई तो भी आप यहां पर 80 रुपए तक ले सकते हो। कैसे मिलेगी वो मिलना है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन कैसे होगा बने रहिए मीटिंग में, मैं आपको बताने वाला हूं क्लब बोनस में कि क्वालिफिकेशन कैसे बनता है। हाँ यहां पर कैपिंग कितनी होती है, कभी आपने 1 PV का लिया हुआ है तो आप डेली यहां मैक्सिमम 4,000 रुपए तक अर्निंग कर सकते हो। कभी आपने एक बार लाइफ में, एक ही बार तो हमें जाना है गोवा थाईलैंड, एक बार हमने लिया हुआ है मान के चलो थाईलैंड, तो 80,000 रुपए पर डे ले सकते हो। कभी आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूजर्स हो तो, नहीं नहीं मैं तो यूजर्स तो छोड़ो, मैं तो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड और मिलेनियम बन गया। और मिलेनियम बनने के बाद क्या मिलेगी दोस्तों, 80,000 पर डे नहीं, 1,60,000 रुपए पर डे मिलेगी आपको सिर्फ टीम बोनस। और कितने दिन की, महीने की, नहीं नहीं डेली कैपिंग है फ्रेंड्स, कैपिंग लिखा हुआ है 1,60,000 रुपए डेली, क्योंकि आपको पता है मिलीनियर के बाद 16% की मैचिंग इनकम मिलना है जो 80 रुपए होती है। 80 रुपए के साथ साथ देखेंगे तो 80,000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से तो 1,60,000 होता है इन अ डे। अब इसी इनकम के ऊपर अगली इनकम हमारी निर्धारित है, उसका नाम है डायरेक्ट रेफरल मैचिंग बोनस। दोस्तों ये मेरी फेवरेट इनकम है मेरी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनकम सबकी फेवरेट होती है, किसी की यहाँ पर फ्रेश साइकिल हो सकती है, किसी की टीम बोनस हो सकती है, किसी के रिवॉर्ड फेवरेट हो सकते हैं, किसी की रीपर्चेस इनकम फेवरेट है, किसी की क्लब बोनस फेवरेट इनकम है, मेरी तो भाई रेफरल मैचिंग बोनस है। क्यों है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने, आप मेरी समझिएगा, मैंने अपने डायरेक्ट में सिर्फ 10 लोगों को टारगेट किया है कि उनको कैपिंग पे पहुंचाना है। ध्यान दीजिएगा, उनको कैपिंग पे पहुंचाना है 80,000 रुपए पर डे पर। जैसे मैंने आपको बताया 1,60,000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 80,000 रुपए पर डे की बात कर रहा हूं। 80,000 रुपए पर डे पे पहुंचाना है और 10 लोगों को पहुंचाना है तो 8,00,000 रुपए। आपने भी कभी सेम ही टारगेट ले लिया, चलिए मैं आपका मान के चल रहा हूं हमारे बीच में 307 लोग हैं, आपने ही टारगेट ले लिया कि 10 लोगों को 80,000 रुपए पर डे पे पहुंचाना है, तो ये मान के चलिए वो सभी लोग 8,00,000 रुपए कमा रहे होंगे और 8,00,000 रुपए का 25% आपके जेब में आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए मंथ नहीं पर डे, मल्टीप्लाई 30 कर लीजिए दोस्तों, ये है इनकम। कितने का प्लान है, 525 का, यस 525 के प्लान में 2,50,000 रुपए पर डे आपसे डायरेक्ट रेफरल मैचिंग से ले सकते हैं। हाँ सिर्फ एक शर्त पे, इसमें आपको आपकी कमाई पे ध्यान नहीं देना है, आपको आपके साथ जो व्यक्ति आया है उसकी कमाई पे ध्यान देना है और उसको ज्यादा से ज्यादा कमाना है। कभी आपने 10 लोगों को भी, देखो यहाँ तो आप देख रहे होंगे हमारे बीच में ऐसे धुरंधर लीडर हैं, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर मोर सिंह जी भी हमारे बीच में, भीम सिंह जी भी हमारे बीच में, हमारे बीच में देखिए यहाँ पर दर्शन जी भी है, दिलीप जी भी है, ये जो जिनके लीडर, किरण जी हमारे बीच में, मिथुन जी हमारे बीच में, जिनके भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, इन लोगों ने 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डायरेक्ट तक करे हैं फ्रेंड्स।
और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिर्फ 10 डायरेक्ट वालों को पकड़ लीजिए, 80,000 पर डे पे पहुंचाइए, 2.5 लाख रुपए आपके आ गए पर डे। सिर्फ आपको आपकी इनकम पे ध्यान नहीं देना है, आपको आपके डायरेक्ट वालों की इनकम पे ध्यान देना है, क्योंकि ये इसका नाम ही है, डायरेक्ट रेफरल वालों की मैचिंग इनकम का कमीशन आपको मिलना है। इसके बाद हम चलते हैं लाइफ टाइम रिवॉर्ड। लाइफ टाइम है, कंडीशन कोई नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नहीं है 6 महीने बाद आधा, 12 महीने बाद कुछ नहीं, और 2 साल बाद आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई, कुछ नहीं। आज काम करो जीवन भर पैसा लो, और आप काम नहीं भी करो टीम को सपोर्ट करो तो भी पैसा लो। जैसे 500 पीवी लेफ्ट 500 पीवी राइट आ गए तो 15,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिला। आज मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है, आज ही मैसेज आया था कि 2 से 3 लोग जो हैं जिनको फटाफट अभी हमें मिले हुए हैं, एक तो मोने सर की टीम में ही है, एक मैम है उनको 15,000 रुपए का रिवॉर्ड मिला है, और एक हमारे मतलब बालकृष्णा जी हैं उनको मिला हुआ है, और बहुत जल्द हो सकता है कि कल रात या परसों के दिन आपको 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड आ रहा है। उनका नाम नहीं लूंगा नहीं तो कि अभी कल से पार्टी शुरू हो जाएगी, तो ये भी मिलने वाला है। मतलब सैकड़ों लोग यहाँ पर 15,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख पे पहुंच चुके हैं, मतलब 50% तो यहाँ पारी खेल चुके हैं। आप मुझे बताइए 50% पारी को कभी यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगते हैं। मैं कम से कम मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा समय ले रहा हूँ और आपको कम से कम टारगेट की बात कर रहा हूँ। 4 साल में भी कभी 7 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड आ रहे हैं तो कम है क्या फ्रेंड्स? अच्छा कम है ना, तो प्लीज मुझे कोई ऐसा प्लान जरूर शेयर कर देना जो बिना रिस्क का हो, बिना लायबिलिटी का हो, कोई चॉइसेस नहीं बदलना हो, रातों को नींद अच्छी आ रही हो, फैमिली खुश हो और 7 करोड़ का रिवॉर्ड मिल जाए। नहीं है फ्रेंड्स, कहने की बातें हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं सर, गुमराह कर रहे हैं। यहाँ आपको हर चीजें हम फैक्ट के साथ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और यहाँ पर लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम क्लब बोनस की ओर। दोस्तों इसको समझ लीजिएगा, सच बता रहा हूँ, इसको समझ लिया ना तो लिटरली बहुत तेजी से आपकी इनकम में 2 गुना और 4 गुना तेजी से आपकी ग्रोथ होनी है। क्यों ग्रोथ होनी है? कोई क्लब बोनस मिलेगा? नहीं नहीं, क्लब बोनस तो मिलेगा ही, यहाँ पर आपका टीम बोनस बढ़ने वाला है। क्योंकि टीम बोनस देखिए आप, ब्रॉन्ज में 9%, सिल्वर पे 10%, गोल्ड पे 11%, प्लेटिनम पे 12%, डायमंड पे 14%, मिलियनेयर पे 14%। आप बोलेंगे मतलब कैसा? दोस्तों मुझे आप बताइएगा, जब आपकी टीम बोनस बढ़ेगी तो डायरेक्ट रेफरल मैचिंग बोनस बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस बढ़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लब बोनस पे ध्यान दे लो और तेजी से ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड तो बन जाओ, प्लेटिनम में हो सकता है आपको 6 महीने साल भर लग जाए, बट यहाँ पर अचीवर निकल चुके हैं, यहाँ पर अचीवर आ चुके हैं जो इन्होंने हजारों की तादाद में आपको ब्रॉन्ज मिल जाएंगे, सिल्वर मिल जाएंगे, इवन गोल्ड अभी स्टार्ट हमारा हो गया बनना। बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लीडर्स आपके सामने गोल्ड का बैच लगाते हुए हुए, कोई कंपनी उनको गोल्ड के बैच से सम्मानित करती है। आखिर कैसे होता है ये? आप की आईडी कभी 525 से है तो आप अपने डायरेक्ट में 10 लोग लगा लीजिए, आप क्वालिफाई हो गए, आप ब्रॉन्ज बन गए हो और आप क्वालिफाई हो गए क्लब बोनस के लिए। या फिर आप एक ही बार तो करना है, ईगल पैकेज ले लीजिए। ईगल पैकेज ले लिया, आप ऑलरेडी यहां पर क्वालिफाई हो चुके हैं ब्रॉन्ज में। तो आपके जैसे मान के चलिएगा, डायरेक्ट में कभी कोई 525 का है, उसने 10 लोग डायरेक्ट किए हैं तो वो ब्रॉन्ज बन सकता है, या फिर डायरेक्ट आपने किसी को ईगल पैकेज दे दिया तो वो ब्रॉन्ज बन सकता है। अच्छा ये भी एक प्रकार की बाइनरी इनकम है। आप मुझे बताइए, एक ब्रॉन्ज लेफ्ट एक ब्रॉन्ज राइट आया तो 200 रुपए की आपकी मैचिंग बनेगी कि नहीं? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए बनेगी कि नहीं? बनने वाली है। ऐसे ही आपके माध्यम से या उनके माध्यम से 10 लेफ्ट ब्रॉन्ज 10 लेफ्ट राइट ब्रॉन्ज आ गए, लेफ्ट राइट मैच हो गए, तो आपको टोटल 2,000 रुपए की इनकम मिल गई। अच्छा इसके बाद आपको 200 रुपए नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपको तो पोजीशन बढ़ाना है। तो कंपनी का सॉफ्टवेयर भी 55 लाख रुपए लग चुके हैं फ्रेंड्स उस सॉफ्टवेयर में। 525 की कंपनी और 55 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर कि अपने आप ही बिना कोई कमांड दिए आप सिल्वर हो जाते हो रातों रात, रात को 12 बजे आप सिल्वर में कन्वर्ट हो गए। अब क्या है, दो प्रकार से आप क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, या तो जिस प्रकार ब्रॉन्ज क्लब में 10-10 लोग लेफ्ट राइट आए थे क्वालिफायर आए थे उसी प्रकार के ऐसे 10-10 लोग आ जाएं, या फिर 120 यहां पर ईगल पैकेज वाले लेफ्ट में और 120 ईगल पैकेज वाले राइट में आ जाए तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और 12 क्वालिफायर से 1,000 और 120 क्वालिफायर से आपको 10,000 रुपए की इनकम मिलेगी। अगेन आपका क्वालिफिकेशन गोल्ड का हो गया। अब गोल्ड का हो गया, अब तो आपके पास कितने परसेंट इनकम आने लगी है? 11% फ्रेंड्स, गोल्ड पे आ गए हो, एक मैचिंग पे 11%, जो 40 रुपए मिल रहा था वो 55 रुपए पे पहुंच गया है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही 1200 क्वालिफायर लेफ्ट 1200 क्वालिफायर राइट 1200 क्वालिफायर को आप इजी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ईगल पैकेज वाले भी मान सकते हो कि 1200 ईगल पैकेज लेफ्ट 1200 ईगल पैकेज राइट आए, आपको
यहाँ पर 120 जैसे ही मैच होते हैं तो 10,000 मिलते हैं और 1,200 टोटल मैच होएंगे तो 1,00,000 रुपए की आपको इनकम मिल जाती है। ये कंपनी लाइव करने वाली है बहुत जल्दी और दोस्तों बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये 1,200 क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो रॉयल्टी आपकी एग्जीक्यूटिव बाइक फंड कार फंड हाउस फंड सारे फंड चालू हो जाएंगे आपके क्योंकि तो गोल्ड क्लब के बाद तो आपका प्लेटिनम क्लब है, गोल्ड क्लब में क्वालिफाई हो जाएंगे आप सब, वो भी मैं आपको अगली साइड पे क्लियर करने वाला हूँ। ऐसे ही प्लेटिनम डायमंड और मिलेनियर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज भी है आप देख रहे हैं, कंपनी के अंदर सिल्वर भी है, कंपनी के अंदर गोल्ड भी है, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये तीन पोजीशन तो ऑलरेडी ले चुके हैं है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये तीन पोजीशन तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब प्लेटिनम 1 साल में, डायमंड 2 साल में, मिलेनियर 3 साल में कंप्लीट करते हैं और 11 करोड़ के क्लब बना सा रहे हैं तो कोई बुरा है क्या? देखो आज तक हुआ क्या है, बहुत सी कंपनियों ने रातों रात करोड़पति बना दिया, मैं आपको बोलूंगा बोर्ड मैट्रिक रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा बॉस, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए मेरे शब्दों पर कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, वास्तव में किसी नए व्यक्ति को इन्वाइट किया था, नहीं फ्रेंड्स रातों रात करोड़पति बनाने का बिजनेस नहीं है, ये तो मेहनत करने का बिजनेस है और ये तो ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। आप मेहनत कीजिए साल भर में आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ प्लेटिनम डायमंड तक पहुंच सकते हैं और मिलेनियर में कभी आप 2-3 साल भी लगा देते हैं तो 11 करोड़ के क्लब बोनस लेना, मतलब समझ रहे हो कितनी आपके पास फ्रेश साइकिल टीम बोनस डायरेक्ट टीम बोनस रिवॉर्ड रॉयल्टी रीपर्चेस इनकम, मैं बोल रहा हूँ 11 करोड़ उसमें मल्टीप्लाई आप 5 कर लीजिए कम से कम 55 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएंगे वहां तक, और 55 करोड़ के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ 3 साल दे दीजिए, 3 साल में कभी आपका कोई माध्यम हो जिसमें रिस्क नहीं हो लायबिलिटी नहीं हो इन्वेस्टमेंट नहीं हो और 55 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो बिल्कुल आप चले जाइएगा, और नहीं कमा सकते हो नहीं आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, आप इस प्रोजेक्ट में आइए और यहाँ पर अर्निंग कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कोई ईगल पैकेज ले लेता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस स्लाइड को मैं थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करूंगा क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे मार्केट में पिक्चर्स गई थी जहां पर कैशबैक एक वर्ड लिखा हुआ है, प्लीज उस पिक्चर को मत फॉरवर्ड कीजिएगा, दिस इज नॉट द कैशबैक, वो कैशबैक नहीं है हमारा। हम यहाँ पर क्या होता है कभी ईगल पैकेज लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया वो उस समय ही ब्रॉन्ज बन जाते हैं और जो ब्रॉन्ज बन गया है मतलब वो एग्जीक्यूटिव फंड लेने के लिए एलिजिबल है और यहाँ पर वो 5,000 रुपए मैक्सिमम तक क्या लेगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फंड, तो कैशबैक नहीं है, दिस इज नॉट द कैशबैक, ये मिलेगा 2% के हिसाब से, फिक्स इनकम नहीं है, ये फॉर्मूला है कंपनी के टर्नओवर पे 2% निकलेगा और डिवाइडेशन हो जाएगा जितने भी एग्जीक्यूटिव फंड अचीवर्स हैं, हो सकता है 100 रुपीज आ जाए, हो सकता है 200 रुपीज आ जाए, हो सकता है आपका 250 रुपीज आ जाए लाइक दैट, बट 5,000 मैक्सिमम। इसी प्रकार जब आपके 10 लेफ्ट 10 राइट ध्यान दीजिएगा ईगल पैकेज वाले आ गए तो आपका बाइक फंड भी आ गया जो मैक्सिमम 50,000 तक मिलना है, इसी प्रकार आपका देखिए सारे कार फंड हाउस फंड सब चालू हो जाएंगे, सिर्फ आप मैं बोल रहा हूँ 100 आपको देखे ना 1200 ब्रॉन्ज लेफ्ट 1200 ब्रॉन्ज राइट का टारगेट रख लीजिए दोस्तों। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा एक बोल सकता हूँ मूल मंत्र देके जा रहा हूँ इस मीटिंग में, 1200 लेफ्ट ब्रॉन्ज 1200 लेफ्ट राइट ब्रॉन्ज बनाकर आप छोड़ दीजिए फिर आपको काम नहीं करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 1200 ब्रॉन्ज तक मुझे यहाँ पर खेलना है पिच पे लेफ्ट और राइट पे, और आपको नहीं बनाना है आपकी टीम के माध्यम से करना है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट करना है, आपकी टीम कभी 100 लोगों की हुई तो मुझे बताइए 100 लोग से 10-10 लोगों लाएंगे तो 1,000 लोग कैसे बन जाएंगे, तो मैं वही देखो नेटवर्किंग का रूल है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, आपकी लेफ्ट टीम अभी 1,000 लोगों की है, राइट टीम आपकी 1,000 लोगों की है, मैं बोल रहा हूँ 1,000 लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति तो लाना है, एक ही व्यक्ति तो ब्रॉन्ज करना है, ऑलरेडी आप हो जाएंगे यहाँ पर 1200 ब्रॉन्ज लेफ्ट 1200 ब्रॉन्ज राइट, कितना सरल है, आप कभी उसको अकेले पे लोगे तो हो सकता है बड़ा। तो दोस्तों ये यहाँ पर बताया मैंने, इसके बाद सबसे बड़ी इनकम की ओर भी मैं ले चलता हूँ, दिस इज द पैसिव इनकम, ये रीपर्चेस बोनस है, रीपर्चेस बोनस किसी भी प्रकार का आपको कोई कंडीशन नहीं देता है फ्रेंड, पूरा कैलकुलेशन के साथ है, कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, कंपनी के पास पैसा आता है, पैसा आता है तो कंपनी उसमें से बांटती है, यहाँ पर 500 बिजनेस वॉल्यूम पर कंपनी 1 आरपी कैलकुलेट करती है और 1 आरपी के लिए कंपनी ने सिर्फ 25 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले के तहत 1 आरपी का कैलकुलेशन निकल जाता है। नहीं समझ में आया फिर से बताओ, कोई बात नहीं मैं फिर से बताता हूँ, मान के चलिए आपके लेफ्ट में 1,000 लोग हैं, आपके राइट में 1,000 लोग हैं, अब इनके घर में 3,000-4,000 रुपए की शॉपिंग होती है, खर्चा होता है, ये करते ही, अब आप बोलेंगे तो 3-4 हजार रुपए में मान के चल रहे हैं हम 2 आरपी बन जाएंगे,
तो 2 RP बन गए, मतलब 2000 आपकी पॉइंट की मैचिंग हो गई। जब 2000 पॉइंट की आपकी आरपी की मैचिंग हो गई तो 2000 आपका वो आ जाएगा। अब एक मतलब आरपी का जो रेट आया उसका मल्टीप्लाई आप 2000 में कर दीजिए, जैसे आप 31 रुपए आया तो हम 30 रुपए ले लें, तो ये 60,000 रुपए की आपकी इनकम निकल गई। इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, कंपनी ग्लोबली आरपी लेती है, जितने भी कंपनी के पास टोटल आरपी आए हैं राम के थ्रू, श्याम के थ्रू, मोहन के थ्रू, सबके थ्रू, और उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते 25 का, और जितने लोगों को भी मैचिंग हुई, जैसे इसकी मैचिंग 2000 पॉइंट की हुई थी, टोटल मैचिंग का डिवाइडेशन हो जाता है, उसका एक आरपी का रेट मिल जाएगा और आपका जितना आरपी बना था मैचिंग का आया था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स। अब बात आ जाती है कि इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, बढ़ाने के लिए ना शायद अब हदें पार हो गई है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी ने अपना प्रीपेड कार्ड ले आई है। वो प्रीपेड कार्ड में बिजनेस वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड कार्ड में बिजनेस वॉल्यूम विड्रॉल करने पे भी आएगा। मतलब आपके डायरेक्ट में आप समझिएगा 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को आपने मेहनत करके 1,00,000 रुपए महीने में पहुंचा दिया। एक महीने में वो सिर्फ 1,00,000 रुपए कमा रहे होंगे, तो वो 1,00,000 रुपए कमा रहे होंगे तो 10 लोग 10,00,000 रुपए कमा रहे होंगे, और 10 लाख का 10% मतलब 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम तो सिर्फ उनका पैसा विड्रॉल करने पे बन जाएगा। ना तो उन्होंने रिचार्ज किया, ना उन्होंने कोई सर्विसेज ली, ना कोई उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, ना उन्होंने बोर्ड माई ट्रिप का पैकेज बेचा, उन्होंने सिर्फ विड्रॉल लिया। विड्रॉल पर आपको मिलने वाला है 10% का बिजनेस वॉल्यूम। तो जो मैं आपको बता रहा था 2 RP 3 RP 4 RP, यकीन मानिए हमारे बीच में यहाँ पर विष्णु सालमपुरिया जी हैं, उनसे पूछिए, उनके पास तो 20, 30, 40, 50, 100 RP तक बना लेते हैं, वो 100 RP भी हो जाते हैं उनके। तो मैं तो आपको एग्जाम्पल 2 RP का दे रहा हूँ। तो दिस इज द पैसिव इनकम, और ये बहुत बड़े लेवल पर आप और हम लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों कंडीशन कुछ नहीं है, जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है वही रिपीट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कोई व्यक्ति 525 रुपए से आएगा उसी कंडीशन पे उसका डिडक्शन होगा अपग्रेड के लिए। कभी कोई व्यक्ति 12,600 से आ चुका है कोई अपग्रेडेशन पे नहीं जाना है, 10% से BMYT का जाना है, BMYT से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर टूर बुकिंग कर सकते हैं, कोई एडमिन चार्जेस नहीं है, TDS पे 5% कटना है जो आप रिडीम कर सकते हो आपका जब भी ITR फाइल होगा। मिनिमम विड्रॉल सिर्फ 300 रुपए का है, सिर्फ 300 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक ईगल पैकेज मैच होता है तो लगभग 2,500 से 3,000 की इनकम बनती है, और आप एक मैचिंग पे ही समझ लो पहले दिन से विड्रॉल लेना शुरू कर दो। यहाँ पर कभी आपने IMPS किया, जैसे आपने मेरा लाइव विड्रॉल देखा होगा 5.90 रुपए कटा, यहाँ पर NFT या RTGS करेंगे तो कोई हमारा पैसा नहीं कटता है, एक लेफ्ट और एक राइट लगाना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हमारे जितना भी वेयर हाउस है, जितनी भी फ्रेंचाइजी ओपन हुई है, सारे प्रोडक्ट हैं। अच्छी बात है कि एक प्रोडक्ट खरीदोगे एक प्रोडक्ट कंपनी फ्री देती है, बाय वन गेट वन वाले सारे प्रोडक्ट हैं, और ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि इसके 140 मॉल जो बोल सकता हूँ ऑलरेडी गुजरात राज्य में खुल चुके हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है वो बन सकता है, बट ये लिमिटेड एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों के लिए नहीं है ये, कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं पिन कोड लेने के लिए। कभी मैं बात करूं इस मीटिंग के अंदर कर्नाटक स्टेट की, तो ना पिन कोड है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना मेगा मेट्रो है, ना स्टेट है, सब बिक चुका है वहां पर। अदर स्टेट की मैं बात करूं तो आप अभी शुरुआती समय में अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं पिन कोड फ्रेंचाइजी से, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से, मेगा सिटी से। फायदा क्या होना है कि आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से जो काम हो रहा होगा, चाहे रिचार्ज हो रहा होगा, चाहे गिफ्ट कार्ड बन रहा होगा, चाहे स्कैन एंड पे, यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग कर रहा होगा, रीपर्चेस पॉइंट कमा रहा होगा, हर चीज पे, हर ट्रांजेक्शन पे उस पर्टिकुलर ऑनर को, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो पिन कोड का क्यों ना हो, ये कमीशन जाना है, और ये बार बार जाना है, लाइफ टाइम तक जाना है फ्रेंड्स। कभी आप नहीं ले पा रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं, यस आप रिकमेंडेशन कर दीजिए। रिकमेंडेशन करने पर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेवल तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, 25, 15 और 10%। यहाँ पर इस मीटिंग में ऐसे धुरंधर जावाज लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने 100, 200 फ्रेंचाइजी डायरेक्ट की है, और आज उनकी इनकम मत पूछिए फ्रेंड्स, क्योंकि 50,000, 1,00,000 रुपए तो आ जाएगी उनके आराम से आना, 1,00,000 रुपए मतलब पैसिव इनकम के लिए उनको इंतजार करना ही नहीं है, वो बैठे बैठे यहां से कमाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो बिल्कुल समझिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट से ही पैसिव इनकम कमाने का है। डायरेक्ट इनकम तो आपको आज के खर्चों के लिए दे ही रहा है, आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छी इनकम रखी गई है। तो मैं नितेश बार बार आपका थैंक यू बोलता हूँ, बार बार आपका स्वागत करता हूँ, समय की बाध्यता है, समय ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, हमारे बीच में MD सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं बस MD सर को बुलाने ही वाला हूँ, और आप और हम लोग MD सर को सुनने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज है जहां पर तेजी से पूरे मार्केट में बोर्ड माई ट्रिप
जुट चुका है और भिड़ चुका है और हर परिवार को एजुकेट करके कमाने की आजादी दे रहा है। तो हमारे बीच में यहाँ पर मैं बुलाने की चाहत रखता हूँ, हमारे बीच में एक बार मैं देख लेता हूँ हमारे विजय सर को, विजय सर हैं कि नहीं, विजय सर यस, विजय सर आ चुके हैं, तो मैं विजय सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। विजय सर आप आए और पूरा परिवार आपको सर सुनना चाहता है, तो अगली आवाज आप विजय सर की सुनेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज संडे की जूम मीटिंग में बहुत अच्छा लगा कि आज ऑलमोस्ट 350 लोग बैठे थे जो सीरियसली यहाँ से अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ ज़्यादा चीज नहीं बोलूँगा, हम लोग 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कमिटमेंट लिया है कंपनी ने, तो वो सारी चीज़ें लाइव करने के कामों में लगे हैं हम लोग। तो 15 तारीख को हमारा प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च हो जाएगा, लोगों को डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी 15 तारीख के बाद। QR कोड जो बहुत सारे लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी वो भी लॉन्च हो जाएगा, और ऐसी ऐसी चीज हम लोग करने जा रहे हैं कि हर एक बोलते हैं कि लाइक गली गली में हमारा स्टोर दिखेगा और लोग प्रोडक्ट खरीद के, प्रोडक्ट यूज करके, सर्विस यूज करके एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉयमेंट के साथ अच्छे से अच्छे इनकम कमा सकते हैं। बस इससे ज्यादा आज मेरे लिए कुछ नहीं है, आप लोग ये कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बोला, इतने से ही दिल खुश हो गया। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि चलते चलते बहुत सारी चीजें दिखाना जरूरी है। सर ने जो प्रीपेड कार्ड की बात की, आखिर वो प्रीपेड कार्ड है क्या, क्योंकि कुछ हमारे नए मेंबर भी हैं, सदस्य हैं इस मीटिंग में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्क्रीन पर। दिस इज द रुपे कार्ड, और अच्छी बात है ये प्लेटिनम कार्ड आएगा। अच्छा, कितना मजा आएगा, 799 में एयरपोर्ट के लॉन्च में फ्री है ये कार्ड। सबसे पहले वही ले चलता हूँ मैं, आप जाइए एयरपोर्ट पे, वहां पर आपको पता है, आपको पता भी होगा, 2 रुपए 5 रुपए में एंट्री मिल जाती है और हम अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लेटिनम कार्ड है, 2 लाख रुपए का रिस्क कवर कर रहा है, लॉन्च एक्सेस दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे बेनिफिट जो आप और हमको मिलने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब उस बेनिफिट्स की ओर ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं आपके सामने व्यू ऑफर खोल रहा हूँ। ये सारे ऑफर्स हमको मिलने वाले हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बोल सकते फूड डिलीवरी हो, गिफ्टिंग हो, हेल्थ हो, ज्वेलरी हो, ये सारे वाउचर्स, सारे जहां जहां हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं इस प्रीपेड कार्ड के थ्रू हमें मिलने वाला है डिस्काउंट। नहीं समझ में आया फिर से बताओ, कोई बात नहीं। ओयो रूम्स आपके सामने देखिए, इस कार्ड को यूज करो, 60% यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑफ मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिए ब्रांड, देखिए सब ब्रांड है। यहाँ पर मैं आपके सामने नीचे करते जा रहा हूँ, सब ये ब्रांड है। इन ब्रांड के साथ कभी हम एसोसिएट नहीं भी हैं, बट हम हमारे कार्ड को यूज कर रहे हैं तो हमको ये बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे ब्रांड्स मैं बता रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, आपको मजा आएगा। और हमारे इस मीटिंग में ही बहुत जबरदस्त सीटर हैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो मैं उनको भी इनवाइट करने वाला हूं, तो बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स, तो मजा आएगा। बिल्कुल आप देख रहे हो कि हमारे बीच में बहुत सारे अभी कोहोस्ट में बनाते जा रहा हूं मैं। देखिए अभी बस बुकिंग कीजिए, उस पर भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारे, यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे दिख रहा होगा आपको, ऑफर्स मिल रहे हैं। शुगर की कॉस्मेटिक बहुत फेमस है, आज हर घर की जो मतलब नारी शक्ति है वो खरीदती है, आर्चिस गैलरी हो, यहाँ पर सारी चीजों पे डिस्काउंट्स मिल रहा है कूपन से। दोस्तों मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मजा आने वाला है, आप अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि ये जून का महीने के बाद जुलाई में हम लोग फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर LDP भी जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर थाईलैंड भी जाने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, सब बने रहिए। तो हमारे पास अब यहाँ पर डायमंड लीडर्स हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जबरदस्त लीडर है हमारे बीच में, कन्वेंस नायक सर।
कन्वेंस नायक सर अभी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, उसके बाद हम मुरली सर को सुनेंगे, उसके बाद हम देव रावत सर को सुनेंगे, उसके बाद हमारे बीच में गोगला सर हैं, हमारे बीच में चालकी जी हैं, मैं सबको वन टू वन आमंत्रित करूंगा। तो कन्वेंस सर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए सर और पूरे परिवार को बताएं सर कैसा माहौल है पूरी टीम का और पूरे साउथ इंडिया का। ओवर टू यू सर। थैंक यू निशा सर, विजय सर, थैंक यू सीएमडी सर, थैंक यू वेरी मच निशा सर, ये मौका दिया मेरे को अभी बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। सो आई हैव रिसेंटली अचीव्ड सेकंड गोल्ड रैंक ऑफ कंपनी सर, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। वो तो आपको सपोर्ट किया, आपने बहुत सपोर्ट किया, विजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, हमारा टीम से पाला सर एंड श्रीनिवास सर, हेमा जी सर एंड सतीश सर, पूरा पूरा टीम को बहुत बहुत मेरे को रैंक अचीव करने लिए सपोर्ट किया सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ उनको। सो साथ में सर अभी सर ने बोला कार्ड के बारे में, एक वर्क पर वाले में, फिजिकल बैंकिंग के बारे में, तो बहुत खुश हो गया सर। ऑलरेडी दो तीन दिन के पहले आपको तो जूम मीटिंग में बताया था पूरा पूरा, हमको भी पूरा जस्ट लीडर को थोड़ा बताया था ऐसा ऐसा हरा है घर को। सो अभी एमडी सर ने पूरा पूरा बताया सर, सो कार्ड के बारे में तो बहुत 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 खुशी खबरी है सर। सो उसके लिए थैंक यू बताता हूँ सर आपके लिए। सो लीडर्स धन्यवाद। सो एलू कूड़ा नमस्कार सर, शुभ संजय। सो दयु सो नानूग कंपनी विचार नानूग एरने रैंक अचीव में गोल रैंक अचीव में कंपनी सो नं तुम खुशिया। सो इतने सपोर्ट नम विजय सर आगबूद, नितीश सर आगबूद, प्रसाद सर आगबूद, मत श्रीनिवास सर, हेमाजी नायक सर अंड सतीश सर अंड टीम एलू कूड़ा तुम्बा तुम्बा सपोर्ट इवत ना अचीव मे तुम धन्यवाद निम्बेलू कूड़ा। सो जो सर हेल्प कार्ड क्यू आर कॉड मत पेजल बैंकिंग तुम्बा तुम्बा खुशी विचार सर, तुम्बा खुशी विचार। सो कार्ड तुम्बा बे कार्ड मत पेजल बैंकिंग एलू कूड़ा बेग बेग विथिन शार्टली स्टार्ट आगता है 15 तारीख नंतर। सो तुम्बा तुम्बा विचार लाइव आगता है मत जो ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆಮೋ ಡೆಮೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೀಡರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್। ಆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸರ್, ಪೂರೇ ಪರಿವಾರ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಯಹಾನ್ ಬಧಾಯಿ ದೇನಾ ಚಾಹ್ತಾ ಹೂನ್ ಕಿ ಆಪ್ನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಚೀವ್ ಕಿಯಾ। ಆರ್ ಸರ್ ಯೇ ಆಪ್ಕಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಹೈ, ಆಪ್ಕಾ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೈ ಸರ್, और ये डेडिकेशन के द्वारा ही अचीवमेंट हुआ है, तो पूरा परिवार आपको तहे दिल से यहाँ पर सर बधाई देता है। और हमारे बीच में मुरली सर हैं, मुरली सर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर, और कैसा परिवार में लग रहा है और आपके माध्यम से जो परिवार में लोग आए थे वो क्या फील कर रहे हैं। तो मुरली सर कभी आप सुन रहे हैं मुझे तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आज शशिधर सर को मैं ढूंढ रहा था तो मुझे जस्ट अभी पता चला कि शशिधर सर गोवा गए हैं फैमिली के साथ, वो एंजॉय कर रहे हैं। मुरली सर कभी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। अदरवाइज हमारे बीच में देव रावत जी भी हैं, देव रावत सर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप सुनते हैं और इसके बाद हम वन टू वन सभी लीडर्स को आमंत्रित करेंगे। सर देव रावत सर आप या मुरली सर कभी हैं तो मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में भास्कर नायक सर हैं, भास्कर नायक सर मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपका मीटिंग था आज, कैसा रहा मीटिंग सर और कैसा माहौल है अब? आप और मुरली सर ने बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल मीटिंग लिया, तो भास्कर नायक सर मैं आपको बुलाता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच नितेश सर मेरे को इन्वाइट करने के लिए। सर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला आज कुशाल नगर में, हम लोग हॉल मीटिंग किया फिजिकली। एक्चुअली हमारा दो मीटिंग था, दोपहर में मीटिंग भी था, उसमें भी अच्छा से रिस्पॉन्स आया है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिला है। लोगों का कहना ये है ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत पहले मिलना चाहिए था लेकिन लेट से मिला है, लेट हुआ तो भी कुछ परवाह नहीं है, हम लोग अच्छा से डेडिकेटेडली हम लोग काम करके दिखाएंगे सर करके हम सभी लोगों ने बता रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से कुछ लेट हुआ है लेकिन बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स अभी मिल रहा है। अभी हम लोगों ने फील्ड में जाके काम करने के बाद लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने जाना, उसके ऊपर काम करने शुरू किया, अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसके बाद हम लोग करके दिखाएंगे करके लोगों ने बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, लोगों ने बोल रहे, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिला है। दोस्तों मैं इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, इस बोर्ड माई ट्रिप के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा से नाम भी कमाएंगे
और पैसा भी कमाएंगे, सब कुछ हमारा जो भी लाइफ में जो सोचा था वो 100% फुलफिल हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी पुराना जो भी टेक्निकल इश्यूज था जो भी था वो उसको भूल जाइए 100%। ये बहुत बढ़िया मौका है, बढ़िया पैसा कमाने का मौका है, और सबसे अच्छे बात है इस बोर्ड माई ट्रिप के माध्यम से हम लोग अपना लाइफ को अच्छे तरीके से सेट कर सकता है। मैं इतना बोल के मैं मेरा विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू विजय पटेल सर, थैंक यू नितेश सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली है, और बिल्कुल इन सारे शब्दों पे मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस अपॉर्चुनिटी को जिसने भी समझ लिया, मैं कम शब्दों में बताना चाहूंगा, भास्कर सर एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इवन बहुत से लोग उनको पहचानते भी हैं, तो उन्होंने भी अभी तक जो भी काम किया है वो अर्श से किया है, मतलब फर्श से स्टार्ट किया और अर्श तक किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी वो ये शब्द बोल रहे हैं तो किस लेवल पर आज बोर्ड माई ट्रिप जाने वाला है। दोस्तों हमारे बीच में गोगला सर हैं, गोगला सर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, उसके बाद में श्रीनिवासन सर को आमंत्रित करूंगा। श्रीनिवासन सर प्लीज आप रेडी रहेगा। गोगला सर ओवर टू यू। यस सर, यस माय डियर फ्रेंड्स, अंदर की वेलकम अंडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोर्ड माई ट्रिप for giving this a great, wonderful opportunity to the nation. Yes, Mitlara, mana deshaniki mana anukune vallaki dasha disha marche vidhanga oka chakkati adbhutamainatuvanti aadaya avakashanni manaku board my trip vallu kalpincharu. Hamara kacham se paise kamane ke liye hum hamara board my trip mein काम करना है। यस मित्रलारा, मन खर्चल द्वारा करेंसी पొందడానికి మనము మన బోర్డ్ మై ట్రిప్ లో మన యొక్క బ్రతుకుల్లో వెలుగు నింపడానికి ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని విజయ్ పాటిల్ గారు మనకు అందించారు. ఇవాల మీరు మన నితీష్ సార్ ద్వారా చూశారు లైవ్ లో. ఓకే, మనం మొబైల్ రీఛార్జ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం, లైవ్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో వస్తువులు ఎలా కొనాలో చూసాం, లైవ్ లో ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులు ఏ విధంగా కొనాలో చూసాం. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సరుకుల ద్వారా సంపాదించేటువంటి అవకాశం, ఆన్లైన్ ద్వారా ఆదాయం పొందేటువంటి అవకాశం. సో మన మరియు మన బంధుమిత్రుల ఖర్చుల ద్వారా కమిషన్ పొందేటువంటి అవకాశం, ఇవన్నీ మీరు లైవ్ లో చూశారు. మిత్రులరా, ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రతి లీడరు మసి పూసి మారడికాయ చేశారు, ఇప్పుడు మన చెంతకొచ్చింది మారడికాయ. సో మన కోసం మనం కొంటూ మన వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం కొంటూ ఉంటే మనందరం కోట్లు సంపాదించేటువంటి ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనందరం కూడా మన అనుకునే వాళ్ళందరికీ అందించబోతున్నాం. ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మనకు విజయ్ పాటిల్ గారు అందించారు. ఈ గురువారం రోజున మనకు లైవ్ లో మన పేజాల్ స్కాన్ అండ్ పే లాంచ్ అవుతుందని చెప్పారు. అలాగే మన యొక్క డెబిట్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా గురువారం రోజు లైవ్ లోకి వస్తుంది. మిత్రులారా, మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపడానికి ఒక చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి బోర్డ్ మై ట్రిప్ ని మనకు అందించినటువంటి విజయ్ పాటిల్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ అందరికి ధన్యవాదాలు అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. और मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है सर, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बावजूद भी सर कंटिन्यूसली बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, और बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, स्टेट के ऑनर भी है वो, तो आने वाले समय में आप देखेंगे स्टेट में बहुत अच्छा प्रोग्राम्स भी हम लोग मिलकर करने वाले हैं. तो हमारे बीच में श्रीनिवासन सर कभी आप हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ. और अच्छी बात यह है हमारे बीच में डायमंड पर्सनालिटी हमारे बीच में आ चुके हैं, जिनको मैं बिल्कुल नाम लेकर बुलाऊंगा इनके बाद. श्रीनिवासन सर कभी सुन पा रहे हैं आप तो मैं आपको बुलाता हूँ, नहीं तो हमारे
अनिल मेबिन सर है, अनिल सर आप आइए, और हमारे बीच में अब जिस डायमंड पर्सनालिटी की बात कर रहा था उनको भी मैं बुलाने वाला हूँ। तो अनिल सर, कभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल मेबिन सर, राइट नाउ जस्ट यू आर द को होस्ट, तो आप आ सकते हैं सर, क्योंकि सर का भी बहुत शानदार मीटिंग हुआ आज और बहुत मजा आया। यस यस प्लीज सर, ओवर टू यू। नमस्कार 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 सर, नमस्कार कर्नाटकक्के ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸರ್, ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ನೀವು ಎಂ ಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿತೇಶ್ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇದಿರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವರು ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟಿ ವಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಂತೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಪೇಜಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಪೇಜಾಲ್ ಆಪ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿವಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿವಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬಿವಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆತರ, ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सो मच सर, थैंक यू सो मच. और मैं जितनी भी बात बोलूं शायद कम है श्रीवास्तव सर के आगे, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क करते हैं सर. और आप अभी देख रहे हैं चेन्नई में कंटिन्यूसली वो सेमिनार्स भी कर रहे हैं, बीओपी कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट मीटिंग कर रहे हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे पास डायमंड लीडर हैं ये एजुकेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि बोला भी जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू लर्न एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू अर्न. तो लर्निंग प्रोसेस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो श्रीनिवासन सर हो, चाहे मुरली सर हो, चाहे हमारे बीच में कन्वेश सर हो, बहुत सारे नाम में लोगों से कम हो जाएगा, गुगला सर हो, सभी लोग हमारे बीच में, पहला सर है हमारे बीच में, भास्कर नायक सर है, सभी लोग लगे हुए हैं. और एक नाम तो मैं भी लूंगा नहीं, क्योंकि उनको मैं बुलाने वाला हूँ. मैं हेमंत सर की बात कर रहा हूँ तो मैं उनको बुलाऊंगा. तो हेमंत सर को बुलाने से पहले हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से है चालकी जी, तो गोकरण चालकी जी मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप आए और आप किस प्रकार पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड और जैसा आपने मुझे बताया कि उड़ीसा भी आप बहुत बड़े लेवल पे कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आप बताइए आपकी टीम में, आपके परिवार में कैसा सौहार्दपूर्ण माहौल है और कितना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं. ओवर टू यू चालकी जी. थैंक यू सर, थैंक यू नितेश सर. आज तो बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिला, पेजॉल स्कैनर का भी ऑप्शन. सबसे पहले तो सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, हमारे एमडी सर को, जो इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए रखे हैं. दूसरा चीज, हमारे पास डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है वो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के अंतर्गत में, और एक बोल सकते हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों की जरूरत है अभी, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट सेलिंग कर करके थक गए हैं, अभी कई सालों से लोग परेशान है. लेकिन यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई लायबिलिटी, कोई रिस्क, विदाउट रिस्क के वर्क काम करके इसमें अच्छा बड़ा पैसा बना सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करके. और इस इंडस्ट्री का एक खासियत चीज है डुप्लीकेशन के ऊपर में, हमारा पूरा टोटली फोकस रहता है एजुकेशन बेस्ड. हम अभी तक के जितने लोगों को देखे हैं एजुकेशन के बदौलत ही आगे बढ़ा जा सकता है.
और बोर्ड मैट्रिक अब धीरे धीरे एजुकेशन के ऊपर लेके जा रही है, और ये अच्छी चीज है हम सबके लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का या इसमें टीम में ज्वाइन भी कराएं और साथ में उसको डुप्लीकेशन काम करें, एजुकेशन करेंगे तो हमारा टीम भी डेवलप्ड होगा, साथ में लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सिस्टम में ज्वाइनिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करते रहना है, एक्शन जरूरी है और रेगुलर एक्शन जरूरी है। और नो डाउट जब पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंजेस होना चालू हो जाता है लाइफ का। और इसमें ऐसा मुझे लग रहा है बोर्ड माई ट्रिप में कि जो चीजें हम डायरेक्ट सेलिंग में सपने लेके आए थे वो सारे सपने हम बोर्ड माई ट्रिप से ऑलरेडी कर सकते हैं। और मेरा जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जो टीम है वो सारे एक्टिव हैं, और अभी डुप्लीकेशन के ऊपर में मेरा पूरा 100% फोकस है ताकि मैं कहीं पर टीम बनाऊँ कि लोग ज्वाइन करें छोड़ते जाएं, ज्वाइन करें छोड़ते जाएं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और मैं फोकस कर रहा हूं अपने टीम पे डुप्लीकेशन के ऊपर में, ज्यादातर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड माई ट्रिप को समझो, पहले सीखो, जानो, घूमो और इसका जो सर्विस है उसको यूज करो, उसके बाद प्रमोशन करो। पहले चीजें हमको समझनी पड़ेगी, फिर हम लोगों तक के इसको आसान से हम बता पाएंगे। लोग समझते नहीं, जानते नहीं, और कुछ मैंने ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। तो सबको मैसेज यही देना चाहूंगा, एटलीस्ट कम से कम 1 साल 2 साल अपना समय दें इसमें, क्योंकि हम कई सालों से हम एजुकेशन पे हमारा 15 साल 20 साल का हम समय देते हैं, लेकिन आज 10-15 हजार रुपये के लिए कहीं कहीं भटकाव के ऊपर है हमारे स्टूडेंट। अभी देखो कितने सारी बेरोजगारी भी छाई हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोर्ड माई ट्रिप के माध्यम से हम सब मिल के एकजुटता से हिंदुस्तान पे सभी जगह का बिजनेस अच्छा डेवलप करें। और एजुकेशन का जो मार्गदर्शन अभी नितेश सर आज मीटिंग में काफी अच्छी नॉलेज दिए, थैंक्स बोलना चाहूंगा सर को। और मेरी तैयारी है सर और एजुकेशन के तहत ही काम करना चाहता हूँ मैं, और आगे चल के अच्छी गैदरिंग करने की कोशिश में लगा हूँ छत्तीसगढ़ में, बड़ी मीटिंग्स की ऑर्गेनाइज करने की तैयारी में है हम सभी। और सभी जितने भी मेरे बोर्ड माई ट्रिप से हैं सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आप सभी के सहयोग से हमारा पूरा हिंदुस्तान पे ये प्लान जाने वाला है और हम सब मिल के बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू नितेश सर और थैंक यू MD सर। इतना बोल के अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि जो गोकरण चालकी सर हैं एक अच्छे ट्रेनर भी हैं, आने वाले समय में हम उनको सुनने भी वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बहुत सारी फैमिलियों में एजुकेशन भी दिया है पुराने कुछ सिस्टमों में, और अब यहाँ पर हमको बहुत सारा सहयोग भी मिलने वाला है। हमारे इस मीटिंग में बहुत ही दुरंधर लीडर है, चाहे मैं बात करूं अशोक जी की बात करूं, अशोक गुटर जी की बात करूं, चाहे मैं विकास जी की बात करूं, चाहे हमारे बीच में सुरेश जी हैं, हमारे बीच में महेश जी हैं, सरवना जी हैं, हमारे बीच में सरनप्पा जी भी हैं, हमारे बीच में जबरदस्त ये डायमंड लीडर की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में देखिए रॉयल टीम बोलना चाहिए, रॉयल टीम, सभी रॉयल टीम हमारे बीच में है। रॉयल हमारे बीच में रामेंद्र सल्दाना जी हैं, हमारे बीच में मैं बात करूँ तो जबरदस्त पर्सनालिटी है जो इंडिया नहीं इंडिया के बाहर से, जैसा आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अराउजी सर की बात कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर का डेडिकेशन है, वर्क है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए अब हम इन्वाइट करते हैं धुरंधर एक जावाज जो आज यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर है अपने घर से, और वो है यहाँ पर सिलीगुड़ी में जो वेस्ट बंगाल में जब से लास्ट आता है वहां पर छाए हुए हैं। नन अदर देन मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हेमंत सर को। हेमंत सर आप आए और आपके माध्यम से बताएं सर, आपने जो नॉर्थ इंडिया गए हैं आखिर वहां क्या हाल चल रहे, फोटो देख के तो सब लोग दंग रह गए कि जबरदस्त तरीके से वहां प्लानिंग चल रही है। हेमंत सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ और आप आइए सर, और पूरे परिवार को आप ऐसा मैसेज दीजिए कि हर देश का कोना हमारा जो है, हर देश का कोना में हम बोर्ड मैट्रिक को आसानी से पहुंचा सके। ओवर टू यू सर। थैंक यू नीति सर, आपने मुझे आज के मीटिंग के अंदर बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया, बहुत ही दिल से मैं आपको थैंक यू करता हूँ। स्नेहिद्रा वेलकम, और सभी दोस्तों को मैं आज के मीटिंग के अंदर जो लोग आज उपस्थित रहे हैं उन सभी दोस्तों का मैं हार्ट से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आज बोर्ड माई ट्रिप कंपनी की जो जर्नी मैंने और विजय सर ने जब स्टार्ट की थी 2019 में, तो एक सपना देखा था कि इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर इस बिजनेस को हम पहुंचाएंगे, तो बस उसी विजन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और लास्ट 9 दिन से मैं वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूं, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है, जिसको हम नाथुला बाईपास बोलते हैं। रिसेंटली आज हम कंपनी का बिजनेस सिक्किम तक पहुंचा चुके हैं। आज सिक्किम से एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर की एंट्री हुई है, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज तक बोर्ड माई ट्रिप कंपनी के अंदर लीडर जुड़ते थे, आने वाले कुछ ही समय के अंदर हमारे साथ सिक्किम की एक कंपनी मर्ज होने वाली है जो बहुत बड़ी टीम के साथ बोर्ड माई ट्रिप के साथ जुड़ने वाली है। तो आज बोर्ड माई ट्रिप कंपनी को हमने चाइना बॉर्डर पर,
बोले तो भूटान बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर हमने पहुंचा दिया है। और आज मेरे पास ऐसे तीन शख्स आए थे जो काठमांडू से स्पेशल बॉर्डर ट्रिप का प्लान सुनने के लिए आए थे। जैसे ही उन लोगों ने बॉर्डर ट्रिप का प्लान सुना तो काठमांडू के थे, फिर भी उन्होंने बॉर्डर ट्रिप को ज्वाइन कर दिया और उन्होंने कमिट किया है कि जब जिस दिन कंपनी इंडिया के बाहर अपना बिजनेस लॉन्च करेगी तो सबसे पहला वो कंट्री होगा नेपाल। तो नेपाल के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है। तो आने वाले समय के अंदर हम वो इंडिया के बाहर भी बिजनेस करने जाने वाले हैं। आज मैं 9 दिन से नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बिजनेस कर रहा हूँ, आसाम, मिजोरम, सिक्किम, और साथ ही साथ आप जो डेस्टिनेशन में बोलूंगा तो मुझे बहुत ही एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि ये बॉर्डर ट्रिप कंपनी की बदौलत आज मैं ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन घूम रहा हूँ जहां पर घूमने के साथ साथ बिजनेस भी हो रहा है। आज दार्जिलिंग में हमारा बिजनेस पहुंच चुका है, कलिंगपोंग में पहुंच चुका है, मिरिक में पहुंच चुका है। अगर आप ये डेस्टिनेशन को यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हम पहुंच चुके हैं, और आने वाले बहुत कम समय के अंदर वन सेंटर का वहां पर सेंटर ओपन होने वाला है। और सिलीगुड़ी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे कि मैं बात करूं मणिपुर की, जैसे बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, वो सब जगह पर हमारा बिजनेस पहुंचने वाला है। आज जब मुझे लोगों के बीच में जाकर ये हमारा बिजनेस प्रेजेंट करने का जो मौका मिला है, तो जो लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बोलने वाला हूं कि 0% रिजेक्शन है हमारे बिजनेस प्लान में। अगर आप सही तरीके से बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं तो रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आज कोई कंपनी 4 साल से चल रही है, 4 साल से मार्केट में चल रही, तो कहीं ना कहीं उनके एथिक्स की वजह से चल रही है, कहीं ना कहीं उनकी सर्विसेज के वजह से चल रही है, या कहीं ना कहीं आज जो कंपनी के अंदर जो नए नए इम्प्लीमेंट लेकर हम आए हैं, जहां पर नेटवर्क बिजनेस की बात करें तो जो नेटवर्क बिजनेस के जो डाउट्स थे उनको हमने जीरो कर दिया है। यहाँ पर जो व्यक्ति जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर डेडिकेशन के साथ अपना 6 महीने से 1 साल का समय देगा, तो बॉर्डर ट्रिप का प्लेटफॉर्म एक गारंटी लेता है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं इंडिया के ऐसे हाइट के ऊपर बैठा हूँ जहां से चाइना की बॉर्डर को देख सकते हैं, तो ये बिजनेस हमारा चाइना बॉर्डर तक पहुंच चुका है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट्स है तो बिल्कुल डाउट्स मत रखिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर यहाँ से जो जो टीम बॉर्डर ट्रिप के साथ ज्वाइन हुई है, उन लोगों का कमिटमेंट है कि आने वाले समय के अंदर नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के अंदर हम बॉर्डर ट्रिप के बिजनेस को पहुंचाएंगे और 3 महीना के अंदर 1 लाख लोगों को ज्वाइन कराएंगे बॉर्डर ट्रिप बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, ये रिस्पॉन्स मुझे मिला है, क्योंकि जो बिजनेस बॉर्डर ट्रिप कंपनी ने बनाया है, जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जहां पर छोटे से छोटा व्यक्ति मात्र 525 रुपए लगाकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों, वाकई में जब हम ये सिस्टम को बना रहे थे तो कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में एक डाउट था कि क्या ये सिस्टम लोगों के सपने को पूरा कर सकती है। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर ऐसे हजारों लोगों की स्टोरी हम बॉर्डर ट्रिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर रख देंगे कि जो 525 से जुड़े थे और सालों से एक्सपीरियंस था उनको नेटवर्क का और सक्सेस नहीं हो पाए थे, वो बॉर्डर ट्रिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस हो चुके हैं। दोस्तों, वन स्टॉप सॉल्यूशन बोले तो बॉर्डर ट्रिप बिजनेस है, जहां पर आप जुड़ गए तो आपके सारे शंका का समाधान, सारे समस्याओं का समाधान आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ जो व्यक्ति है विजय पटेल सर, उनकी मेहनत का मैं काबिले तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि आज 24 आवर्स में से अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचता है तो कैसे इस सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में इनकम पहुंचाई जाए, उनका दिमाग इसी ऊपर फोकस करता है। तो दोस्तों, आज मैं एक मिशन पर चला हूं, आज मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर आया हूं और आज कम से कम 4 स्टेट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के अंदर हमारा बिजनेस पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द हम आने वाले कुछ ही समय के अंदर इंडिया के बाहर भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो सिस्टम विजय पटेल सर ने बनाई थी, जिस विजन के साथ बनाई थी, वाकई में आज वो सिस्टम रन कर रही है और लोगों के घर में पैसे जा रहे हैं। तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
और नीतीश सर मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपके आज आपके मीटिंग ने अंदर मुझे इनवाइट किया, तो मैं आपको माइक ओवर टू हैंड करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम नीतीश सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हेमंत सर के बारे में शायद जितनी बात बोलूंगा कम है, उसका रीजन ही है कि पहले दिन से सर लगे हुए हैं और पहले दिन से ही बहुत सारी प्लानिंग की है। और दोस्तों बताते हुए बेहद खुशी होती है कि बहुत सारी कंपनी हमने देखी, आपने भी देखी होगी कि बहुत सी कंपनियों में क्रॉस लाइन नाम का एक वर्ड होता है। मुझे तो फक्र है बोर्ड माई ट्रिप में, यहाँ क्रॉस लाइन का कोई वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड यूज करता ही नहीं है। वी आर वन, हम एक फैमिली है। आज मैं बात करूं तो हेमंत सर कहीं है, मैं कहीं हूँ, और भी हमारे लीडर अलग अलग स्टेट्स में है, सब एक मान के काम करते हैं। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कोर कमेटी का यहाँ पर संगठन हो रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है, और जिम्मेदारी देने के बाद जितने भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर होंगे उनके लिए कोई क्रॉस लाइन टीम नहीं होगी। आप जिस लीडर का सपोर्ट लेना चाहते हो, जिस लैंग्वेज का सपोर्ट लेना चाहते हो, चाहे मैं बात करूं गोपीनाथ सर की, चाहे मैं बात करूं मुरलीधर सर की, चाहे मैं बात करूं उदय सर की, चाहे मैं यहाँ पर बात करूं अब्दुल सर की, यहाँ पर बैठे हुए मैं बात करूं हमारे बीच में बलराज जी हैं, हमारे बीच में भीम सिंह जी हैं, हमारे बीच में दिलीप जी हैं, हमारे बीच दुर्गेश जी हैं, सारे एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े हुए हमेशा। कोई किसी की क्रॉस लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक परिवार है। और आज मैं इस मीटिंग में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो आर्मी से रिटायर्ड है, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, आज बहुत एक अच्छी मीटिंग की है, उनके साथ जो है विजय सर हैं। तो आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ महेश सर को। महेश सर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, राइट नाउ यू आर द को होस्ट एंड यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और पूरा परिवार सर आपको सुनना चाहता है। महेश सर मुंबई से। सर आपका माइक ओपन कीजिए। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश सर। चलिए हमारे बीच में कभी मुरली सर हैं तो अगेन मैं इनवाइट करना चाहता हूं मुरली सर को, और नहीं तो अनिल सर हैं तो अनिल सर आपको भी इनवाइट करना चाहता हूं। और हमारा समय ज्यादा हो चुका है क्योंकि मीटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यस नमस्कार सबको। दोस्तों मैं ज्यादा बात करने को नहीं हो सकता, कई कुछ तो सब लोग बोल दी और बोलने वाला बात ही फिर रिपीट करके कुछ भी फायदा नहीं। सबको मालूम है अभी मैं प्रोग्राम खत्म करके अभी आ रहे हैं, अच्छा सा प्रोग्राम था, जबरदस्त चल रहे हैं। बोर्ड माई ट्रिप, सभी भी लोगों को बोर्ड माई ट्रिप में संडे या सैटरडे होने से जूम मीटिंग अटेंड करना, किधर भी रहने दो अटेंड करने के लिए, खुशी का एक होता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी गुरुवार को यह स्कैनर आएगा तो उनको बहुत खुश है सबको, क्या है तो पूरा पॉजिटिव, कितने नेगेटिव भी कोई भी एक आदमी कभी नेगेटिव आने को नहीं होता, मगर कोई भी बिजनेस नहीं किया तो भी वो बंदा आके बैठे तो बस सैटरडे संडे को उसका इतना खुशी होगा, जबरदस्त न्यू ज्वाइनिंग हो जाता है मंडे को। देखिए जब भी देखिए आपको मालूम पड़ेगा सैटरडे संडे का प्रोग्राम अटेंड करते ही नेक्स्ट डे में जबरदस्त बिजनेस आ रहा है। तो ये रोज रेगुलर करना है। मैं एक ही ये बात नीतीश सर को बोलता हूँ, थैंक यू नीतीश सर मेरे को इन्वाइट करने के। मैं अभी आया, अभी खाना खा के फिर ऐसे ही बैठते ही रहता था, पहले जूम स्टार्ट हुआ था ना वो टाइम में खत्म करके आ रहा था। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल 100%। देखिए मुरली सर ने जो एक बात बोली वो बिल्कुल सच है, और आप देखिए वो मैं लाइव दिखाना चाहूंगा क्योंकि लाइव दिखाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। मुरली सर ने जो बात बोली मीटिंग करके आ रहे हैं क्या करके, देखिए सामने देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये देखिए सुधा मैम है, कंटिन्यूसली लगी हुई है, ये नेटवर्कर नहीं थी बट बिना नॉन नेटवर्कर के बाद भी इनने इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं कंपनी की साइड से। मुरली सर देखिए कंटिन्यूसली मीटिंग ले रहे हैं, जस्ट मुझे भी शेयर किया है, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुआ क्योंकि हर संडे सैटरडे को मीटिंग रख रहे हैं। इस प्रकार की मीटिंग आप भी ऑर्गेनाइज कीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर चालकी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बोर्ड माई ट्रिप में ज्वाइनिंग करना बड़ा काम नहीं है। अरे ज्वाइनिंग तो कोई मान सम्मान में कर देगा, 525 होता क्या है, आप घर से बाहर निकलेंगे ना आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे तो आइसक्रीम खा लेंगे, पिज्जा हट पे जाएंगे तो पिज्जा खा लेंगे, दोस्तों कुछ भी नहीं है 525। तो ज्वाइनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझने के बाद हम कितने सारे जिंदगियों में कितने सारे परिवारों में हम आर्थिक आजादी की जो लहर है वो ला सकते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो लहर है उसको साबित कर सकते हैं। दोस्तों सच में यहाँ पर बहुत सारी चीजें चरितार्थ हो रही है, बहुत सी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई। मैं आपको जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ बड़ी बात नहीं है, यहाँ सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अपलाइन का,
बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी के ऑनर का, और बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे इस जितने भी हमारे इस मीटिंग में है, जितनी भी हमारी टीम है, परिवार है, लाइफ लाइन है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो शायद कंपनी नहीं होती, वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, वो नहीं होते तो हर एक लीडर कमा नहीं रहा होता। इसलिए सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो काम नहीं भी कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस मानसिकता से तो एंट्री ली थी बट उन्होंने लर्निंग नहीं की, और जब लर्निंग नहीं की तो उन्होंने काम नहीं किया। तो काम करने के लिए आपको उनको समझाना होगा, काम करने के लिए उनको लाना होगा। कभी आपने काम करने के उनको लाए तो दोस्तों यकीन मानिए आने वाले समय में बहुत बड़ा कोहराम हो रहा है। आज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं इस मीटिंग के माध्यम से, जितने भी लोग आपके माध्यम से आए उनको फोन लगा लीजिए एक बार, क्योंकि यहां से सबको मिलना ही है, उनको कुछ लगाना नहीं है, उनको सिर्फ यहां से कमाना है, और कमाने के लिए उनको सिर्फ यहां पर वर्क करना है। बोला भी जाता ना कि सफलता हासिल करना हो तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर दोस्तों भरोसा तो करना पड़ेगा। तो यहां पर जब जब वो भरोसा करेंगे अपनी मेहनत पे 100% कमाने वाले हैं। और जाते जाते दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पे, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पे, चलते रहो चलते रहो, अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, और एक और बात है कि हमें चलना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बोलने के लिए, बट समय की बाध्यता है, समय बहुत ज्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग इस मीटिंग में आए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की दिल से कामना करता हूं। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, और बोर्ड माई ट्रिप को हर घर में पहुंचाते हुए खुशी का इंजॉय करते रहें, खुशी बांटते रहें, बटोरते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को मैं यही समाप्त करता हूं। हम लोग हर दिन मिलते हैं, सोमवार को हमारी मीटिंग होती है कन्नड़ की होती है, मंगलवार को आपको बहुत जल्दी आपको नया शेड्यूल मिलने वाला है, बुधवार को हमारी मलयालम होती है, गुरुवार को हमारी तमिल होती है, शुक्रवार को हमारी तेलुगु होती है, शनिवार को हमारी हिंदी होती है, और संडे को हमारी हिंदी होती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।